श्रवण किशोर फिर से गुरुनीति का 21वां एपिसोड। किशोर कल किसी बात लगती है दोस्तों, हमने जब कहा था 45 वीडियो देंगे तो सबके हाथ पांव फूले हुए थे हमारे अलावा, मुझे कॉन्फिडेंस था 21वां वीडियो आज आ रहा है। ठीक है डियर, टॉपिक है कैलेंडर थ्योरी ऑफ गैसेस और ये वीडियो आज अपलोड हो रहा है 28 दिसंबर 2020 को। केटीजी पे एक सेपरेट पूरा वीडियो है, चलो पेज खा लेकर पुत्र भगवान, तो इस पे पहले केटीजी पे बात करने से, हाँ इसका मेरे उच्चारण ये रहेगा केटीजी कैलेंडर थ्योरी ऑफ गैसेस। आ जाओ देखो दोस्तों, गैस के बारे में आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, गैस दो प्रकार की है, एक आइडियल गैस एक रियल गैस। हमारा सिलेबस किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए, जिसका इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। रियल गैस अलग है, रियल गैस का इक्वेशन ये होता है दोस्त, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आरटी। एन आता हो तो यहां एन स्क्वायर से गुणा कर दो, यहां एन से गुणा कर दो और यहां एन से गुणा कर दो। ओके डियर, तो एन स्क्वायर से गुणा हो गया, एन से गुणा हो गया और एन से गुणा हो गया। ये किसके लिए है? रियल गैस के लिए। ये किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, और कितना ही हमारे सिलेबस में इतना है। इट कॉल्ड वैन डर वाल इक्वेशन। ए और बी सुन ले भैया, ए और बी की डायमेंशन एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, याद करना साइड में उनको। ये दोस्तों हमारी आइडियल गैस का, आदर्श गैस का इक्वेशन। आदर्श गैस वो होती है, देखो सुनो एक सिंपल फर्क है, रियल गैस वह है जिनके अणुओं के बीच में आपस में बल लगते हैं, आइडियल गैस वह है जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं होता है। सीधी सी बात है, कोई अंतरणिक बल नहीं है, वो तो है आइडियल गैस। अंतरणिक बल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो कौन है? वास्तविक गैस। वास्तविक गैस है, रियल गैस है। यहां देखो P क्या है? प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और मेरी क्लास का सुंदरतम एक PV इक्वल टू NRT होता है, एक PV इक्वल टू NKT होता है। R के साथ जो N है मास्टर फंडा है, R के साथ जो N है वो मोल को बताता है, K के साथ जो N है वो मॉलिक्यूल को बताता है। गांठ मान ले, जहां जहां K है वहां वहां एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, एक अणु की बात कर रहा है, और जहां जहां R है वहां वहां वो मोल की बात कर रहा है। T कौन है? टेम्परेचर। एक खास बात और है, ये सारा टॉपिक किसके लिए है? गैस के लिए। तो गैस कभी खुले पात्र में रुक सकती नहीं, तो हमेशा पात्र क्या होगा? बंद। आपका कंटेनर क्लोज होगा, पात्र बंद होगा, इसका मतलब जो गैस आपने भर दी आप उसका पी चेंज कर सकते हो, उसका वी चेंज कर सकते हो, उसका टी चेंज कर सकते हो, बट आप गैस की मात्रा चेंज नहीं कर सकते। तो एक बार प्रश्न शुरू हो गया, इसको आप चेंज कभी नहीं कर सकते। एन और आर आप जानते हो पहले से क्या होते हैं? कांस्टेंट है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, आर गैस नियतांक है। दोनों के डायमेंशन आपको पता होने चाहिए, दोनों के यूनिट आपको पता होने चाहिए, दोनों के संख्यात्मक मान आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में बहुत बार तो के की विमा, के की डायमेंशन सीधी एग्जाम में आई है। थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाऊं पुत्र, पीवी इक्वल टू एनआरटी। एन क्या है? मोल, हमने आपको बहुत पहले पढ़ाया था, दिया गया भार बटे अनुभार, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आप इसको इस रूप में चेंज कर सकते हो, पीवी इक्वल टू एम डब्ल्यू आर टी। बिल्कुल, एम क्या है? गैस का अमाउंट। अमाउंट डब्ल्यू क्या है? मॉलिक्यूलर वेट, जो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कैपिटल आर भी क्या है? कांस्टेंट। तो बहुत किताब कई बार इसको ऐसे भी कर देती हैं, ये तेरा एम और इसको स्मॉल आर भी कर देती है। बिल्कुल, ये कौन है? यस यस यस, विशिष्ट। ये कौन है? ये की मात्रा, मैंने इसको कैपिटल में लिया था ना, जिसका मुझे डब्ल्यू के साथ चेंज करना था। ये टी की मात्रा है, आर मेरा कांस्टेंट है, आर कौन? आर अपॉन डब्ल्यू। टी कौन है? टेम्परेचर। तो रट्टा मत मारो यार, जैसा जैसा अगला कहता वैसे वैसे आप तो करते जाओ। तो डियर एक बार फिर से मत, क्योंकि सारी दुकान यही है, उसके बाद कुछ नहीं है। पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब आ जाओ सबसे पहले, सबसे पहला कुछ का है? बाइल का नियम। यदि टी इक्वल टू कांस्टेंट तो तू खुद जानता पीवी एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। किसका नियम हो गया? बॉयल का नियम हो गया। चलो जी, फिर चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम में दोस्तों कौन कांस्टेंट होता है? पी कांस्टेंट होता है। सीधी सी बात है, या पी कांस्टेंट है तो वी समानुपाती क्या हो गया? टी। ये किसका नियम? अरे बोल किशोर भाई, थोड़ा यार, चार्ल्स का नियम। उसके बाद v इक्वल टू कांस्टेंट है तो तेरे सामने सामने क्या है? bc के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये किसका नियम है? ये गेलुसेक का नियम है। याद कर ले यार, एग्जाम में आता क्या? और ये तो आता है t कांस्टेंट तो pv इक्वल टू कांस्टेंट, p कांस्टेंट तो vt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, v कांस्टेंट pt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बॉयल का नियम, ये चार्ल्स का नियम, ये गेलुसेक का नियम।
हो गए तीनों नियम, बस इनके ऊपर आगे बात करेंगे, टॉपिक जैसे आगे बढ़ता जाएगा बात करते जाएंगे, बट आपको तीनों बात याद होना बहुत जरूरी है। और फिर से याद दिला दूं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आर के साथ एन है तो वह मोल्स को बताता है, के साथ एन है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को बताता है, अणुओं की संख्या बताता है। चल पुत्र भगवान पहला क्वेश्चन निकाल लो, करते हैं बच्चों आपके लिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो दो फ्लास्क हैं, ये फ्लास्क एक का आयतन प्लस दो का आयतन दुगना है, साफ साफ दिख रहा है इसका आयतन 2V, इसका आयतन V। फ्लास्क उनका ताप ये 100 केल्विन है भैया, दिखना भूल गए, क्योंकि 100 केल्विन है और 200 केल्विन है, आइडल गैस बनी हुई है। यदि फ्लास्क एक में गैस का द्रव्यमान स्मॉल m है, गैस का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो फ्लास्क दो में गैस का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसको दोस्तों आप क्या बना लो, m डैश। देखो भाई सुनो, रे तीन चीज है, दो चालकों को, दो कंडक्टर को एक वायर से जोड़ो, तो चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम है नहीं होते। दो पानी की टंकियों को एक पाइप से जोड़ दो, पानी इधर से उधर तब तक जाएगा जब तक दोनों का पानी का लेवल समान है नहीं हो जाता है। वैसे दो फ्लास्क है जिनमें गैस भरी हुई है और टूटी खोल दो, तो गैस का आदान प्रदान तब तक होता रहेगा जब तक दोनों के प्रेशर सेम नहीं हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है, एक फ्लास्क ये है, एक फ्लास्क ये है, ये मान लो टूटी है बीच की, अपन टूटी खोल देंगे तो गैस का तब तक फ्लो चलता रहेगा जब तक प्रेशर दोनों के प्रेशर सेम है ना हो जाते। तो चल यार पुत्र, पीवी इक्वल टू क्या है, एनआरटी। अब एक बात ध्यान देना पुत्र, यहाँ एन नहीं आएगा, यहाँ एम अपॉन कैपिटल एम आर टी आएगा। स्मॉल एम है गैस की मात्रा, बोलना बिल्कुल, स्मॉल एम गैस की मात्रा, कैपिटल एम मॉलिक्यूलर वेट, गैस तो वही है ना, बिल्कुल वही। तो कैपिटल एम क्या है, कांस्टेंट, ए कैपिटल एम क्या है, एक बार फिर लिख दूं, पीवी इक्वल टू एनआरटी और पीवी इक्वल टू स्मॉल एम कैपिटल एम आरटी। तो देख तू खुद देख, कैपिटल एम क्या है, कांस्टेंट, पी क्या है, कांस्टेंट, आर क्या है, कांस्टेंट, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एम डी। बोल हाय आना, ओनली स्मॉल एम। अब अपना मास्टर पंडा है, जो बदलता है उसके पीछे 1-2 लगाओ, समीकरण दो में समीकरण एक का भाग, समीकरण एक में समीकरण दो का भाग दिखाओ, तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 T1 मल्टीप्लाई T2। बोल हाय आना, ये क्वेश्चन ढंग से कर ले, बृंदा है, चिंता मत कर, पूरा मस्त कार्यक्रम है। एक पाइप से जोड़ा तब तक गैस का प्रवाह होगा जब तक दोनों के प्रेशर सेम नहीं हो जाते। पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन की जगह दिया गया भार बटे अणुभार, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दोनों गैस एक ही हैं, तो कैपिटल एम क्या है, इक्वल, आर क्या है, कांस्टेंट, पी कांस्टेंट क्यों हुआ, ये हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि गैस तब तक चलती रहेगी जब तक वो इक्विलिब्रियम नहीं आ जाती, साम्य में नहीं आ जाती, और साम्य डिसाइड कौन करता है, प्रेशर। उष्मा गति के में साम्य डिसाइड करेगा टेम्परेचर, इलेक्ट्रोस्टेट में करेगा पोटेंशियल, और यहां करता है प्रेशर। पी वी तो तेरे सामने V1 अपॉन V2, तो देख तेरे सामने सामने है, इसका वॉल्यूम क्या है 2V, इसका है V, तो तेरे सामने इसको मिटा दूं मैं, देख इसको मिटा दूं तो मैं लिखूं, तो V1 क्या है 2V अपॉन क्या है पुत्र V, M1 क्या है M, M1 तेरा है M, और ये M2 तेरे को निकालना है। T1 क्या है 100, T2 क्या है 200, तो देख भाई V से V कैंसिल आउट कर दे, ठीक है डियर, इसको इससे कैंसिल आउट कर दे, तो M2 इक्वल टू M/4, ये पुत्र आंसर आ गया M/4, दिस इज बेस्ट ऑफ दिस क्लास, बिल्कुल ये लो जी। लेकिन सारी चीजें दिमाग में सेट होनी चाहिए, PV इक्वल टू NRT होता है, N इक्वल टू स्मॉल m और कैपिटल m होता है, मैं कैपिटल m लिखूं W लिखूं मेरे मूड पे डिपेंड करता है या आपके डिपेंड मूड पे करता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके चेहरे में होने चाहिए। और ये गैस का फ्लो कब तक चलता रहेगा, प्रेशर सेम, प्रेशर सेम नहीं हो जाते। चल पुत्र भगवान आगे चल, सेकंड में आ जाओ, क्वेश्चन नहीं है, समान ताप दाब पर एक ही टेम्परेचर पे, एक ही प्रेशर पे क्लोरीन और ऑक्सीजन के समान आयतन में दोस्तों हमेशा एक अनुपात एक होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसी को अपन कहते हैं अवगद्रो का नियम, अवगद्रो का नियम। पीवी क्या है, कांस्टेंट, वीवी क्या है, कांस्टेंट, और दोस्तों समान, और टीवी क्या है, कांस्टेंट, आरवी क्या है, तो N1 इक्वल टू N2, मोल बराबर हो गए, और भूल गए क्या मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, एक मोल में अणु की संख्या हमेशा अवगद्रो के बराबर होती है, ये पिछला लेक्चर पढ़ना मेरा,
हमारा जो पिछला लेक्चर है जो लेक्चर नंबर 20 है उसको ढंग से कर लोगे तो आपको ये बेसिक पूरा पता लग जाएगा। आगे चल पुत्र, ये देखो अपना सोना प्रश्न आ गया, 5 ग्राम ऑक्सीजन का अवस्था समीकरण। अरे यार यूं लग रहा है मक्खन खा रहे हैं। पी इक्वल टू एनआरटी और एन इक्वल टू स्मॉल एम कैपिटल एम आरटी। बिल्कुल ओके डियर। तो तेरा पीवी, एम का मतलब 5, इसका मतलब 32 आरटी, तो 5/32 आरटी, 5/32 आरटी क्यों आया? तेरे को मोल का पता होना चाहिए। मोल की 3 डेफिनेशन है जो पिछले लेक्चर में दे चुका हूं मैं। दिया गया भार बटे अणु भार, 1 मोल। दिया गया वॉल्यूम अपॉन 22.4, 1 मोल। दिया गया नंबर ऑफ मोल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देखो मास दिया हुआ हो उसको अणु भार से डिवाइड कर दो मोल बन जाता है, वॉल्यूम दिया हुआ हो तो 22.4 डिवाइड कर दो मोल बन जाता है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हुए हैं तो एवोगाड्रो संख्या से डिवाइड कर दो मोल बन जाता है। तो तेरे सामने सामने पूरी बात पीवी इक्वल का लिखा मैंने एनआरटी। एन मैंने क्या लिखा? एम अपॉन एम। अगले दिन एम क्या दिया? 5। कैपिटल एम क्या होता? 32। ये पता होना सिर्फ ऑक्सीजन का अणुभार क्या है? 32। तो 5/32 आंसर आ गया। चल आगे, फिर वही कहानी, फिर वही 1000A। देखो चित्र बनाओ ऐसे ने डायग्राम बनाओ, 1000A पी वी टी, दूसरा जार बी 2P वी वाई 4 2T। जार ए तथा बी में गैस के अणु की संख्या अनुपात क्या है? एक बात सुनो भाई, इस पे मास्टर समीकरण होती है। क्या? P1V1 upon T1 equal to P2V2 upon T2। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? अणु की संख्या पूछ रहा है, इसलिए हमें नहीं पता कि क्या है। तो दोस्तों अपन इसको नहीं काम देके, चलो आपको पेज खाली करना भाई, पूरी बात बताए दे। पूरी बात ये है पी वी एन, अभी अपन बात करते हैं बस अणु की संख्या वाला केटी, ये कर दिया भाई, क्या फर्क पड़ता है यार, बस वही पी वी इक्वल टू एन केटी। ठीक है, स्मॉल को अपन कैपिटल कर दे बेटर रहेगा। किसको? स्मॉल को। हाँ, किसको? स्मॉल को। स्मॉल एन को कर दें कैपिटल एन। एक ही बात है, तेरी बात मान लेते हैं कैपिटल, तू ये बालक का मारा, तेरी बात मान लेते हैं कैपिटल का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब किसको दिखा वापस, मैं पूरे खाली कर देता हूं। अगला साफ कहता है 1000 है उसमें पीवीटी है, दूसरे में 2PV/4 2T है, जार ए का बेस के अणु की संख्या निकालनी है, अणु की संख्या निकालने पीवी इक्वल टू कैपिटल एन के टी। ठीक है डियर, तो व्हाट इज एन वन? तो पी, अच्छा वो तरीका, इसके वन आएगा, बिल्कुल इसके वन आएगा, इसके वन आएगा। देखो हमारे हाथ में नहीं है, जो बदलता है उसके पीछे 1-2 आएगा। आगे दूसरा समीकरण बना P2 V2 N2 K T2। ये ले यार डिवाइड के सूत्र को K से K कैंसिल आउट कर, फिर निकालना क्या है? N1 अपॉन N2 निकालना है, तो N1 अपॉन N2 निकालना, तो T2 पर ले जा, तो P1 V1 T2 अपॉन P2 V2 T1। यही पूरी बात कर लूं, P1 को क्या बोल? P, V1 को क्या बोल? V, T2 क्या बोल? 2T। नीचे आ जा, P2 क्या बोल? 2P, V2 क्या बोल? V/4 ऊपर ले जा, और T1 क्या बोल? T। तो PVT से PVT काट दे सारा, ये 2 से 2 कट गया, 4 हो गया, तो N1/N2 4:1 आंसर आ गया भैया, 4:1। बोलो क्या दिक्कत है, परफेक्ट कार्यक्रम है, चल रहा आराम से। लेकिन कब आएगा यार ये, जब तेरे को दिमाग में सेट हो खोपड़े में कि PV=NRT, PV=NKT, कंटेनर बंद है, गैस की मात्रा चेंज हो नहीं सकती। इक्वेशन 1 बनाओ, इक्वेशन 2 बनाओ, जो वेरी करते हैं उसके पीछे 1-2 लगाओ और 1-2 का भाग निकालो। ओके डियर, यस आगे चलो। आजा भैया, गैस के गति सिद्धांत द्वारा परम शून्यता कौन है भाई? इसी बात परम सारे प्रकार की मोशन हो बंद हो जाए, बंद हो जाए अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक। देखो दोस्तों परम शून्यता का मतलब 0 का है, 0 का है, कौन है भैया बताओ? फिर अणु की गति बंद बंद रहती है, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप स्टॉप, पानी जम जा मतलब ही नहीं है, द्रव्यमान मतलब ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका? थर्ड फोर्थ। तो आंसर क्या होगा इसका? थर्ड। ओके थैंक यू। आप तो पूछो किशोर, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, और 6 पे आने से पहले अब अपने को नियत आयतन पे गैस का ताप बढ़ाया जाता है, कि कांस्टेंट वॉल्यूम टेंपरेचर इज इंक्रीज देन दीवारों पर टकरों की संख्या कम की जाए, प्रति सेकंड टकरों की संख्या बढ़ाई जाए, तो सिंपल सी बात आंसर आपका सेकंड हो गया, कहने की बात ही नहीं है, बट ये डेरिवेशन पूरा करेंगे अपन, किस टॉपिक जान यही है। चल भगवान पेज खाली कर दोस्तों, इसमें मेरे को 10 मिनट भी लग सकते हैं, 15 मिनट लग सकते हैं, लेकिन टॉपिक की जान यही है। बिल्कुल किसी बंद पात्र में गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर,
किसी कंटेनर में, किसी फ्लास्क में जो गैस भरी होती है उसके द्वारा उसकी दीवार पे लगाया गया प्रेशर। चलो आ जाओ, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है भैया दोस्तों। माना कि कंटेनर है, फ्लास्क है, बर्तन है, इसमें गैस भरी हुई है। कौन सी गैस? आदर्श गैस। मेरे सिलेबस में रियल गैस है नहीं है, आदर्श गैस भरी हुई है। उसके माना कि एन अणु है, मैं किसी एक मॉलिक्यूल को पकड़ लेता हूं, ये मॉलिक्यूल चला दीवार से टकराया। और एक बात सुनना, यहां टक्कर को मानेंगे परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, पूर्ण प्रत्यास्थ। और ये मॉलिक्यूल दोस्तों वापस इधर आ गया, तो माना वी वेग से गया तो वापस किस वेग से आया? माइनस वी वेग से। ध्यान दें बात पे, बिल्कुल। एक कोई कण पकड़ लिया मैंने, माना कि ये पात्र है, ये एक्स एक्स पे जा सकता है, बिल्कुल, वाई एक्स जा सकता है, और ये जेड एक्स जा सकता है। आप ऐसे कर सकते हो इसको, ये एक्स एक्स भी जा सकता है, ये वाई एक्स भी जा सकता है, और ये जेड एक्स भी जा सकता है। तो माना कहां जा रहा है? एक्स एक्स पे। तो एक काम कर, इसके थ्रू चाहे तो वीएक्स लगा देते हैं जी, बस भाई रास्ता थ्री डी होता है, एक्स भी होता है, वाई भी होता है, जेड भी होता है। तो माना एक मॉलिक्यूल है, ध्यान से बैठ जाओ बच्चों, इसको पूरा समझ लो आप लोग। वीएक्स वेग से गया वापस आया, तो सबसे पहले पर क्या कहेंगे? डेल्टा पी क्या होता है? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। व्हाट इज पी फाइनल? माइनस एम वीएक्स माइनस एम वी एक्स। तो डियर डेल्टा पी इक्वल टू माइनस टू एम वी एक्स। माइनस टू एम वी एक्स का मतलब है कि मोमेंटम में इतनी कमी हुई इसके कण के, तो कहां गया? दीवार पे। यानी एक कोलिजन में बाय वन मॉलिक्यूल इन वन कोलिजन दिस मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू वॉल। यानी एक कण द्वारा एक टक्कर में दीवार को दिया गया मोमेंटम क्या है? मैं वेक्टर भूल जाता हूं, मैं 2mv। अब माना कि ऐसे n मॉलिक्यूल हैं, उसको अपन n से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बात प्ले पड़ रही है। ए, मैं इस चीज को यहां से मिटा देता हूं, मैंने आपको डेल्टा p निकाल दिया। अब लेकिन चक्कर ये पड़ता है कि साहब एक सेकंड में टक्कर कितनी होती है? हमें क्या पता? तो अपन क्या करेंगे कि एक टक्कर का समय निकालेंगे। तो दोस्तों माना इस पात्र की लंबाई एल है, तो एक कण यहां से चला, जैसे सतह एक पेंडुलम है, ये सब लोग यहां है, ये यहां से गया और यहां तक आवर्तकाल नहीं है, वापस यहां, इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन। तो एक कण कोई चला यहां से, इस कलर चेंज करूं इसका, कोई कण चला यहां से और यहां से चल के वापस यहां आए, इट कॉल्ड वन फिनोमिना। ये एक पूरी घटना है, एल जाए एल वापस आए। दोस्तों वेग बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा वेग, वेग 2l / v से t को उल्टा करो फ्रीक्वेंसी होगी, दिस इज vx / 2l। ये क्या है रे? ये एक टक्कर में लगा समय है, और ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? एक सेकंड में नंबर ऑफ कोलिजन। बोल 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 किशोर भाई, बिल्कुल। यानी एक सेकंड में इतने टक्कर होंगी। अब बहुत मजा आता है मेरे को, एक टक्कर में कितना मोमेंटम गया? 2mvx। एक में कितना गया? 2mvx। तो एक सेकंड में उस पर कुल कितना जाएगा? 2mvx मल्टीप्लाई vx बाई 2l। दिस इज डेल्टा p m, 2 से 2 काट दे, m vx स्क्वायर बाई l। ये क्या है? एक कण द्वारा एक सेकंड में दीवार को कुल ट्रांसफर्ड मोमेंटम, बिल्कुल एक कण के द्वारा एक टक्कर में दीवार को दिया गया संवेग। ठीक है, अब एक बात को और जानता है, f बराबर क्या होता है? dp / dt। dt क्या है? एक। yes। dp क्या है? ये तेरे सामने है, तो इसको तो f भी कह सकता है, बिल्कुल। ये क्या है? इस दीवार पे लगने वाला बल, बट किसके कारण है? एक कण के कारण है। वहां एक कण तो होता ही नहीं है, वहां बहुत सारे कण होते हैं। उसके बाद एक चीज और भी है कि आपने कहा कि ये कण एक्स एक्स पे जा रहा है, बट इस कण के जाने की जो संभावना एक्स एक्स पे है वो संभावना वाई एक्स पे है, वो संभावना जेड एक्स पे है। उसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता कोटि। याद है ना, तो एक परमाणु में गैस होती जो है उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? तीन, एक्स एक्स की, वाई एक्स की और जेड एक्स की। तो डियर अब इसको फिर मिटा देते हैं, इसको मिटा के फिर आगे बढ़े। तो आप क्या कह रहे हो जी कि एक कण के द्वारा एक सेकंड में दीवार पे लगने वाला फोर्स क्या है? एम वी एक्स स्क्वायर बाई एल। बट किसके लिए? एक कण के लिए। ऐसे दोस्तों माना कि एम कण हो, तो एन कण हो, तो क्या कहेगा? वी एक्स वन स्क्वायर बटे एल। एन के पीछे वन टू नहीं आएगा, क्योंकि अपन जानते हैं एक ही गैस के सभी अणु का आकार, आकृति, द्रव्यमान सेम होता है। किसी सेम गैस के हर मॉलिक्यूल का मास, शेप, साइज सेम होता है दोस्तों।
दिस इज एम बी एक्स स्क्वायर बटे एल प्लस डैश डैश डैश, ठीक है डियर, थोड़ा और आगे ले चले इसको कुशल पुत्र, तो एम एक काम कर एम बटे एल बाहर निकाल ले, ये तेरा क्या बचा बी एक्स वन का होल स्क्वायर बी एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश, एक काम कर कलर चेंज करो तेरे लिए इसको, तुम एक काम कर एन से डिवाइड कर दे एन से मल्टीप्लाई कर दे, ये क्या हो गया औसत हो गया वर्क बाध्य हो गया बिल्कुल। अरे यार तूने बड़ी सुंदर बात बोल दी, बस सारा खेल यही है, यहाँ एक शब्द काम आएगा आर एम एस, हिंदी में आएगा वर्ग माध्य माध्य मूल, किसी भी चीज का मान लो आप, तो वेग का मान लिया, देखो सुनो दोस्तों वर्ग तो सबसे पहले वी का वर्ग करो, फिर उसका माध्य, उसके बाद उसका मूल, रूट मीन, देखो सबसे पहले क्या कर रहा है उल्टा, इंग्लिश उल्टा है, रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर करो, स्क्वायर का मीन करो और मीन का रूट करो, इसको आरएमएस बोल दो, चाहे क्या है देखिए वी है, वी का स्क्वायर है, वेग का वर्ग है, और एन से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया एवरेज, तो ये भी आरएमएस नहीं है, ये एमएस है, ये कौन है एमएस माध्य मूल, ये आरएमएस नहीं है, ये कौन है एमएस है, ये भी मीन स्क्वायर ही है, स्क्वायर का मीन ही है, अभी रूट नहीं हुआ है, फिर मिटा दो तेरे लिए इस चीज को मैं, तो तेरे लिए क्या पॉइंट बना एफ इक्वल टू ऊपर कौन है एम एन, ठीक है डियर, नीचे कौन है एन एल, और इधर कौन है वी आर एम एस का एक्स स्क्वायर का बार, बिल्कुल जानते हो बार का मतलब क्या होता है एवरेज, बोल हाँ ना, अब तो एक बात कहता है कि उसकी जो संभावना ये मैक्सवेल के नियम से आता है वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, क्योंकि इसकी कुल संभावना सुन लो ऐसे कि vx का स्क्वायर का vy का स्क्वायर का vz का स्क्वायर का इक्वल टू क्या है v स्क्वायर बार, लेकिन जो संभावना x x पे आप एक दोबारा छोड़ो वो x x पे जाए y पे जाए z पे जाए समान पोजीशन होती है, तो अपन ऐसे कह सकते हैं v स्क्वायर बार ये भी vx ये भी vx ये भी vx, तो इसको आप क्या कह सकते हो 3vx स्क्वायर बार, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो 3vx स्क्वायर बार का मतलब होता है v स्क्वायर बार / 3 के लिए, बिल्कुल हो गया बिल्कुल समान नाम पर ही सब vy भी vx आप समान है वो तो कहने बात ही नहीं है वो कांस्टेंट है बाकी कुछ नहीं बदला होगा, तो तेरे सामने कॉन्सेप्ट आ गया ये कॉन्सेप्ट आ गया तो इसकी जगह हमें तेरे सामने vx लिखा हुआ है वहां मैं क्या पुट कर दूं f इक्वल टू m n l v x नहीं आएगा फिर स्क्वायर बार अपॉन 3 v का स्क्वायर है बिल्कुल ध्यान दो बच्चों v का स्क्वायर भी है ये v वेग है भैया ये v का वॉल्यूम नहीं है कंफ्यूज मत होना v का स्क्वायर भी है और एवरेज भी है एवरेज भी ठीक है अब इसको मैं मिटा दूं इन चीजों की मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है ये मेरे डायग्राम काम नहीं आएगा तो अब आपके सामने सामने f इक्वल टू पूरा खाली कर लेना पड़ f इक्वल टू m n l v स्क्वायर बार अपॉन 3 अब प्रेशर चाहिए एरिया का भाग मुझे क्या चाहिए प्रेशर चाहिए ना दाब चाहिए ना तो दाब क्या होता है फोर्स में तेरे भागकर ओके डियर तो तेरे सामने सामने व्हाट इज प्रेशर तो p इक्वल टू m n 3 l इसे ले ले और a l स्क्वायर से भाग दे a यस a v स्क्वायर सॉरी v स्क्वायर बार l और a क्या होता है वॉल्यूम वॉल्यूम ये वॉल्यूम अभी ऐसे करना पड़ेगा इसको m n 3 v v v स्क्वायर बिल्कुल ये प्रेशर का है जी अब आपके सोने चीज कि किसी पात्र में किसी कंटेनर में कोई गैस भर दी माना गैस के मॉलिक्यूल n है प्रत्येक का मास m है वॉल्यूम v है v स्क्वायर बार उनका m s है और लड़के आर एम एस नहीं है रही देखो सबसे पहले होता है v फिर होता है v का स्क्वायर फिर होता है v के स्क्वायर का मीन और फिर होता है रूट तो ये तो है देखो केवल वेग वेग ये है दोस्तों केवल स्क्वायर वेग वर्ग वेग वर्ग और ये है वेग वर्ग माध्य माध्य और ये आपका आरएमएस और ये आपका एमएस एमएस देखो जो ये वेलोसिटी है ये एमएस है ये आरएमएस है गलती मत करना रे एमएस और आरएमएस दोनों अलग अलग होते हैं ठीक है बिल्कुल अब देख पुत्र इसको फिर खाली करूं पूरे पेज को मैं तो तेरे क्यों सारा आर खेल सिंपल गए एम एन थ्री वी वी स्क्वायर बार बिल्कुल चल अब तो ये काम कर वी स्क्वायर बार इक्वल क्या कर दे थ्री पी वी बटे एम मल्टीप्लाई एन अब एक माना कि एन या एक बात बता किशोर माना कि एन की संख्या अवोगैड्रो के बराबर हो तो एम गुण एन क्या हो जाएगा केपिटल एन अरे यदि अणु की संख्या अवोगैड्रो के बराबर है
तो फिर कुल भार किसके बराबर हो गया, अणु भार के बराबर हो गया, और एक मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मोल होता है। ओके डियर, तो ये तेरे सामने सामने 3 PV अपॉन क्या आ गया, कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन गैस का अणु भार, गैस का अणु भार, क्योंकि एक का मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो का मास, ये तब होता है ओ भाई दान, जब एक एन एन, जब एन किसके बराबर हो, एवोगाड्रो के बराबर हो, तो 3 PV बटे क्या आ गया, कैपिटल एन। बिल्कुल, चलो जी ए ए फिर मिटाऊं इसको, अरे बहुत दादा चीज है मेरा, एक 3 PV अपॉन क्या है, कैपिटल एन। कलर चेंज करो तेरे लिए पुत्र, ए इसके रूट कर, इसके रूट कर, ये क्या हो गया, VRMS। अरे ये ले यार किशोर, 3 PV बटे एम, और तू जानता है इक्वेशन होती है PV = nRT, n यहाँ पर एक है तो PV = RT भी है, तो ये लो मेरे यारो VRMS का एक फॉर्मूला भी आ गया, 3 RT अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन बिल्कुल है ना, बिल्कुल। अब तूने किसी पात्र में गैस भर दी, बिल्कुल ठीक है जी, बस अब शुरू हो जा, किसी पात्र में आपने गैस भर दी, यदि आपने हल्की गैस की जगह भारी गैस भर दो तो क्या होगा, मॉलिक्यूल का मास बढ़ेगा, बढ़ेगा मॉलिक्यूल का मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि सारी की सारी कहानी स्टार्ट यहां से होती है। ये पी प्रेत मोमेंटम है भाई, मोमेंटम, यदि तो भारी अणु भर देगा yes. तो मोमेंटम बढ़ेगा, बढ़ेगा। ज्यादा अणु भर देगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, वेग बढ़ा देगा तो, और वेग किससे बढ़ता है, किससे बढ़ता है, सीधा संबंध है, सीधा संबंध है। थोड़ी कोशिश करो, अल्टीमेट बीज स्टार्ट कहां से हुआ, कि कोई अणु दीवार पे टकरा रहा है, वापस आ रहा है, दिस इज ए परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, ये पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है, वो अपना सारा मोमेंटम दीवार को ट्रांसफर कर रहा है, तो एक्चुअल में प्रेशर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किससे होता है, मोमेंटम से, और मोमेंटम मूल फॉर्मूला कौन है, MnVx, यानी दाब के उत्पन्न होने के कारण भी क्या कोलिजन ही है, कोलिजन यस, दाब मेन कांसेप्ट है भैया, ये बंद किया जाए, अब कुशल पे आ जाओ भगवान, निकाल बेटा, तो साफ कहता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट कर दिया yes. अब यदि तू उसका बढ़ाता ताप होता, सीधी सी बात है प्रति सेकंड टकरों की संख्या बढ़ जाएगी, ज्यादा ताप करोगे, सीधी सी बात है ताप बढ़ाओगे तो वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा जल टकराएंगे, जब जल टकराएंगे तब प्रेशर बढ़ जाएगा। चलो आगे चल बेटा, पुत्र एक दोस्तों तीन शब्द है, देखो तीन होते, एक VRMS है, एक VMP है, और एक VAVG है, तो ये दोस्तों एक अच्छा रिलेशन भी है, ये रिलेशन आपको जब आपकी गाइड्स में मिल जाएगा, और ये तीनों रिलेशन आपको दोस्तों याद भी होने चाहिए। मैं लिख देता हूं, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा इसमें याद करने में हमेशा दिक्कत रही है, एक बात सुनना है, इसका नाम 3 RT / Km है, लेकिन एक बात सुन लेना, यदि के लगा दिया तो स्मॉल एम आएगा, स्मॉल ए लड़के, आर के साथ ओ लाता है, मोल का मतलब कैपिटल एम होता है, के साथ मॉलिक्यूल्स आते हैं तो स्मॉल एम आएगा, ये कौन है, VRMS। उसके बाद एक होता है वी एवरेज, ये क्या होता है, वी एवरेज, तो वी एवरेज जो है दोस्तों उसका फॉर्मूला हमारा सामने सामने होता है 2 8 KT / π / m, बेटा के है तो स्मॉल एम आएगा और आर है तो कैपिटल एम आ जाएगा। उसके बाद हमारा एक होता है मोस्ट प्रोबेबल, वो क्या होता है 2 RT / Km, याद रखना पड़ेगा आपको एग्जाम देने में, एग्जाम में आप अपने याद कर सकते हैं अभी तुरंत, हां बिल्कुल याद करो, तुरंत याद करो, इसमें कितने लेटर है, 3 है, आर एम तीन तीन आ गया, तीन इसमें कितने, 2 आ गया, इसको तो बोलते हैं हिंदी में औसत, औसत है, औसत में 8 आ गया, 8 आ गया, बिल्कुल थैंक यू। चल किशोर का हमारा फंडा बड़े शानदार है, ये आपके रिश्ते होंगे, अब तू जानता है इनकी वैल्यू अपन निकालेंगे, इनको दोस्तों वैल्यू डिफाइन करेंगे, तो साफ साफ पता लग रहा है कि हमारा आंसर सी कौन सा हो गया, सेकंड, सबसे बड़ा कौन होता है, RMS, उससे कम कौन है, एवरेज, और सबसे कम कौन है भैया, मोस्ट प्रोबेबल वेग हो गया, तो हमारा सातवां क्वेश्चन जो है इसका आंसर हमारा हो गया RMS, एवरेज और MP, ये तीनों, अब ये तीनों फॉर्मूले, इसका नाम मेहनत है, इसमें भेजने की जरूरत नहीं है, दिमाग की जरूरत नहीं है, जो बच्चा 4 बार पढ़ जाएगा उसको भैया याद हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा वो फिर किसी कोचिंग में आ जाएगा, इसलिए सारा खेल तो प्रैक्टिस कर रखे। हाँ एक बात है, आर के साथ कैपिटल एम आएगा, के साथ स्मॉल एम आएगा। चलो आगे चलो भैया, एक गैस पदार्थ 0 डिग्री पे है, इस ये है या लाडला प्रश्न, देखो कि इसका RMS डबल हो जाए तो फॉर्मूला बनाओ, VRMS = 3 RT / Km,
देख भैया किशोर अपना मास्क मेरा प्रिय टॉपिक है, गैस है इसका मतलब एम क्या है कॉन्स्टेंट, तीन क्या है कॉन्स्टेंट, तो आपके सामने सामने वी क्या है रूट टी के समानुपाती है, ये वी का मतलब यहां वेलोसिटी से आ जा वो तरीका वी वन अपॉन वी टू इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू, जो बदलता है उसके पीछे वन टू लगाओ, एक में दो का भाग निकालो, और जीरो डिग्री सेल्सियस होता ही नहीं है, चेंज कहां करना पड़ेगा केल्विन में, तो माना कि पहले वी है, अब आप क्या कह रहे हो इसके अणु का वेग दुगना करना है, तो आप क्या कर दो टू वी, पहले कितना है 273 अपॉन टी स्क्वायर कर भैया, तो एक बट्टा चार 273 अपॉन टी, तो टी इक्वल टू भैया चार थी बारह हाथ की एक, ये क्या होगा चार थी बारह हाथ की एक, सात चौक 28 एक 29 दो आठ दो दस, एक हजार बानवे केल्विन है, एक हजार बानवे केल्विन कहो चाहे 819 डिग्री सेल्सियस कहो, क्योंकि आप इसमें क्या निकाल दो भैया 273 निकाल दो, तो चाहे 819 डिग्री सेल्सियस कहो चाहे 1092 केल्विन कहो, ये आपके सामने भैया आंसर आ गया। वही बात है, एक नई बात आई कि टेम्परेचर कभी भी डिग्री सेल्सियस में नहीं रहना है, नहीं आता है, उसको हमेशा चेंज कर दो केल्विन में, इक्वेशन एक बनाओ इक्वेशन दो बनाओ, एक में दो का भाग टिकाओ, ऐसे करते करते डॉक्टर बन जाओगे भाई, कुछ नहीं करना यार। मेरे तो पढ़ाते 24 साल हो गए, मुझे आज तक नहीं पल्ले पड़ा कि एक लड़का ईमानदारी से कोचिंग को फॉलो कर ले, लड़के बात वो खाते हैं कोचिंग जाने के बाद, विश्वास कोचिंग पे नहीं है, कोचिंग चले गए तो वहां तीन टीचर पढ़ा रहे हैं, तो इस टीचर का पढ़ेंगे उस टीचर का पढ़ेंगे, कर करा के अपना सारा गुड़ गोबर कर लेते हैं, घूम लास्ट में किसी काम के नहीं होते। टीचर जो बोर्ड पे खड़ा भैया अच्छा पढ़ाता है अपना, टीचर कभी कोई खा पढ़ाता ही नहीं है और ना कोई गोल की पिलाता है, हर कोचिंग में सिलेक्शन होते हैं, हर कोचिंग बच्चे बाहर होते हैं। भैया एक बताओ मुझे नीट की बात कर लो, 612 नंबर से ऊपर इंडिया कितने बच्चे हैं, 16,000 बच्चे हैं केवल, 612 नंबर से ऊपर पूरे देश में केवल 16,000 बच्चे हैं, तो पेपर दोस्तों कुछ रिजल्ट 2020 का आपको पता है, इसलिए भाई मेहनत करो अपने, एनसीईआरटी पढ़ो मस्त रहो और गुरु नृत्य देख लो सीएलसी, इसके अलावा कुछ आना नहीं एग्जाम के अंदर। आ जाओ, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो सकती है, टेम्परेचर कितना है इसको समझो, समझो क्या कहता है, टेम्परेचर 27 डिग्री, प्रेशर आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर है, द्रव्यमान की किसी दिए गए द्रव्यमान, मतलब एक बार सुनना, इसमें एक बार पात्र बढ़ा दिया ना तो अमाउंट चेंज होता ही नहीं है, आरएमएस वेग कितना है 200 मीटर पर सेकंड, अब वो कहते हैं गैस के ताप और दाब को इतना कर दिया जाए तो इस गैस के अणु का वर्ग माध्य मूल वेग क्या होगा, तो वर्ग माध्य मूल वेग का फॉर्मूला क्या है तेरे सामने सामने है, एक फॉर्मूला है 3RT/m और एक फॉर्मूला क्या था 3KT/m प्रेशर का वेग से कोई संबंध है संबंध नहीं, बस गांठ मान ले रहे, प्रेशर का वेलोसिटी से कोई रिलेशन है नहीं, वेलोसिटी ये अपने आप ही वेलोसिटी और एनर्जी मेनली टेंपरेचर के फंक्शन करते हैं, ये पी वी एम है ना, तो इसमें ये इस पी का लग रहा आपको है नहीं, फॉर्मूला एक्चुअल दोस्तों यही है, तो पी को यूज करके पी वॉल्यूम करना पड़ेगा, अपने करना पड़ेगा, तो 3RT/m। अब तेरे सामने इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो v1/v2 = t1/t2 क्यों, एम के पीछे 1 2 आएगा, गैस तो वही है ओके डियर, तो पहले वी वन कितना है 200 वी टू आपको निकालना है, पहले टी वन कितना है 300 क्योंकि 27 डिग्री है ना, 273 जोड़ ये कोण है तेरा 400 टी टू अच्छा दे 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 अच्छा सॉरी सॉरी वी टू निकालना है वी टू निकालना है तो कितना हो गया 400 ए इसको मिटा देते हैं, पर अब एक काम कर इसका तो दोनों तरफ स्क्वायर ये अपन कट गया जीरो कट दो रूट 3/2 रह गया बस रूट 3 आंसर ऐसे दिया क्या तो 200/V2 = √3/2 तो ये तेरे सामने V2 = 400/√3 ओके ठीक ऐसे दिया है तो दिक्कत नहीं है, तो यहां पहली गांठ मान ले क्या कि गैस का जो वेग है वो ताप पे ही डिपेंड करेगा, प्रेशर का कोई लिंक नहीं है, बातों बातों एक बात मैं बताना चाहूंगा यहां पर, या तो पेश खड़े करना बेटा, जब आपने कह दिया तो हम एक काम लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा क्या होती है हमेशा हाफ m v square क्लियर बिल्कुल, अब तो खुद कहता है कि v क्या है 3RT/m बिल्कुल, तो v square क्या होगा 3RT/m
वैल्यू पुट कर दे यार, इक्वल टू हाफ एम थ्री आर टी अपॉन एम एम, ठीक है डियर। तो तेरे सामने सामने इक्वल टू क्या आ गया, थ्री बाई टू आर टी, ये मास मास तो इक्वल है, तो यहां जो मास दिया है वो मास के लिए आएगा, मोल के लिए मोल है, तो यहां भी क्या बोलते हैं फिर, तो इक्वल टू क्या आ गया, थ्री बाई टू आर टी। बिल्कुल, ये क्या है, एवरेज एक मोल गैस की औसत गति ऊर्जा है, दिस इज एवरेज एनर्जी ऑफ काइनेटिक ट्रांसलेटरी, केवल ट्रांसलेटरी, ओनली ट्रांसलेटरी, ये स्थानांत औसत स्थानांतरण गति ऊर्जा किसकी, एक मोल की, एक मोल यार। इस पे एक बात दिमाग में आ गई, आओ सुनो यार, ये फॉर्मूला किसके लिए बोलना, किसको, कि एक मोल गैस के अणु की एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब यदि अगला एक अणु की पूछ ले तो R by N क्या होता, K होता है, तो अपना सीधा फंडा इसको क्या बोल दो, याद कर ले, मोल के R आएगा और मोलिक्यूल में N आएगा। एक बात और सुनना, अगला तेरे से एक ग्राम की पूछ ले, बस ये है मेरा मूल, एक ग्राम की पूछ ले तो तेरे को इसको कैपिटल N से डिवाइड कर देना, कि ये तो कितने ग्राम की है, कैपिटल N ग्राम की है, ये तो एक मोल की है, एक मोल का मतलब मोलिकुलर वेट के बराबर है, अणु भार के बराबर है, तो एक ग्राम के लिए क्या करना होगा, डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट दोस्तों, ये है तीन फॉर्मूले। बिल्कुल, ये सर एक मोल का हो गया, जिसमें इसको ऐसे करता हूं, एक मोल हाँ बराबर अणु भार बराबर ऊर्जा, यस, या उसको अपन बोलते हैं म्यू, हाँ इसे अपने पास इसको कन्वर्ट करना है अपने को, हाँ ये एक मोल के लिए है, ये एक मोलिक्यूल के लिए है और ये एक ग्राम के लिए, लेकिन सबकी रामायण एक है दोस्तों, सारा खेल डिपेंड किस पे करता है, गति ऊर्जा, गति ऊर्जा ये डिपेंड किस पे करती है, वेलोसिटी पे, वो डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे, इसलिए औसत गति ऊर्जा का भी कोई संबंध नहीं है किससे, प्रेशर से, कोई संबंध नहीं है, संबंध किससे है, टेम्परेचर से। यार एक बात दिमाग में और आगे बताऊ, अभी मैंने तेरे को प्रेशर का फॉर्मूला निकाल के दिया था, एन एन थ्री वी वी का है, बिल्कुल याद है, बिल्कुल निकाला, यस, इसको मैं एक मॉडिफाई करता हूं थोड़ा सा, हाँ, इसको मैं कैपिटल एम कहते हैं, बिल्कुल ध्यान दे पास, कैपिटल एम थ्री वी 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 स्क्वायर बाय आर, दोस्तों डी इक्वल टू क्या होता है, एम बाई वी, यस ठीक है, या डी छोड़ो, एक बार डी छोड़ो, आप ऐसा करो, दो से ऊपर गुणा करो, दो से नीचे गुणा करो, ये क्या बन गई तेरी गतिज ऊर्जा, तो बी इक्वल टू क्या यार, दो भार आया, दो बटा तीन, तीन भार आया, हाँ। वी भार आया और भार कौन आई थी, अब यदि वी को मैं यूनिट कर दूं, यू को मैं यूनिट कर दूं, तो पी का मान क्या आ गया, दो बटा तीन की, बहुत सोना क्वेश्चन है, कि एकांक आयतन का प्रेशर उसकी गतिज ऊर्जा का दो तेई होता है, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, यूनिट वॉल्यूम का प्रेशर इज टू थर्ड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यस, या रिश्ता ये भी हो गया तेरा, P इक्वल टू टू ई बाई थ्री वी, कहने का मतलब ये है वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी का प्रेशर से कोई संबंध नहीं है, ये डिपेंड किस पे करते हैं, टेम्परेचर पे, तो ये बातें आपस में रिश्ता भी इनका एक बन जाता है, देखो बातों बातों चीजें आती रही, आगे चले बेटा, फिर वह आ गया, जीरो डिग्री ताप पे गैस की कौन सी राशि शून्य होती है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यहां एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, रियल गैस और आइडियल गैस, ध्यान देना, आइडियल गैस जो है उसके अंदर कोई अंतरायनिक बल नहीं होता है, तो वहां कोई भी ऊर्जा नहीं है पोटेंशियल, बिल्कुल, यदि आइडियल गैस चलेगी जीरो केल्विन पर तो उसकी गतिज भी जीरो है, उसकी पोटेंशियल भी जीरो है, बट रियल गैस जो है उसको आप लेंगे जीरो केल्विन पे तो जीरो हो जाएगी काइनेटिक, बट पोटेंशियल वहां अब भी रहेगी, क्योंकि रियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसका कोई संबंध नहीं है टेम्परेचर से, उसका संबंध उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से है, बिल्कुल, ये बहुत सुंदर, बहुत शानदार, कि किसी भी टेम्परेचर पे आइडियल गैस की टोटल ऊर्जा इक्वल टू केवल गतिज ऊर्जा, रियल गैस की किसी भी टेम्परेचर टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यदि आप चलेंगे जीरो केल्विन पे तो सब कुछ बंद हो गया, तो आइडियल गैस की जीरो ऊर्जा क्या होगी, जीरो, लेकिन रियल गैस की कौन बच गई, पोटेंशियल, बहुत तरह चीज रही है, तो अगर यहां आंसर क्या आ गया इसका, गतिज ऊर्जा, ऐसे गैस के नीचे रखे नहीं, बहुत शानदार माना जाएगा आपके, आगे चलो बेटा, ये एक द्विपरमाणु डायटोमिक गैस के अणु का वर्गमाध्य मूलचाल v है, जब ताप को दुगना कर दिया जाए तो अणु दो परमाणु में टूट जाता है, अब परमाणु की वर्गमाध्य, ये मेरी क्लास का प्रिय प्रश्न है, v r m s इक्वल टू 3 r t अपॉन m,
दिस इज बेस्ट ऑफ दिस क्लास एग्जाम के पर्पस. साफ कहता है द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ डाई एटॉमिक गैस इज वी. ये कितना तेरा, ये तेरा वी है. वी व्हेन द टेम्परेचर इज डबल्ड, मैं कलर चेंज करता हूं, ले टेम्परेचर को कर डबल डबल, इसकी वजह से होना पड़ेगा तेरे को. yes. कर दिया और परमाणु अणु में टूट जाता है तो ये तेरा एम बाई टू हो गया. टू हो गया बस, इतना खेले हो गया बस. ये टू कहां जाएगा, ऊपर. तो ये ऊपर, ये ऊपर और चार ऊपर, आंसर क्या आ गया, टू बी. तो बी डैश इक्वल टू, भाई फॉर्मूला लिख ले जैसा अगला कहता वैसे वैसे करते जा, कुछ नहीं करना होता. अरे मैं तो 2016 पढ़ाना छोड़ चुका था भाई, 17, 18, 19, 20 चार साल से किताब टच नहीं की यार. फिर कोरोना का धन्यवाद हो, फिर सब ने कहा कि बोस आप खड़े हो हमारे साथ, मुझे से पूछा जा रहा है तो आप तो स्टूडेंट हो यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना. सब्जेक्ट को दिल से जिया हुआ मैंने, इसलिए आराम से सामने आ रहा दिया. आगे चले फिर राजा. वो कहता है केल्विन ताप पे आरएमएस 300 है, तो दोगुने अणुभार और उसी ताप मॉलिक्यूल डबल कर दो, तापमान आधा करने पे आरएमएस भी क्या हो जाएगा. तो भैया अपना तो सीधा फंडा है, आरएमएस इक्वल टू क्या है, 3RT अपॉन m. बिल्कुल टू डी. अगला साहब कहते हैं इफ द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ अ गैस एट अ गिवन टेंपरेचर इज 300 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ अ गैस हैविंग ट्वाइस द मॉलिक्यूलर वेट एंड हाफ ऑफ द टेंपरेचर. सीधा करना सिखा दे तेरे को मैं, देख सुन. ट्वाइस द, बोल बोल, ट्वाइस द मॉलिक्यूलर वेट, ए इसको डबल से कर दे और टेंपरेचर हाफ, हाफ तो T/2 कर दे, तो चार नीचे आ गया, तो V/2 हो गया. और पहले कितना है, 300 आ गया. इसको बोलते हैं सोल्व करने का तरीका. क्वेश्चन लिखो और जहां ना करता वहां कर दो, फिर एक और दो बनाने की जरूरत ही नहीं है. अब आप इससे प्रैक्टिस कर चुके मेरे साथ, आगे चलो. यदि किसी गैस के अणु की त्रिज्या आर है, उसका माध्य मुक्त पथ किसके इनवर्स है. दोस्तों ये मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला लास्ट ईयर अभी 2020 के एग्जाम में भी आया है, और मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला आपको दोस्तों पता भी होना चाहिए. ये फॉर्मूला आपकी हर गाइड में दिया हुआ है, इसमें कहीं कोई दिमाग की जरूरत नहीं है. और ये सिंपल एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको टिक मारना होता है. इसका आंसर दोस्तों दे दिया इसने फोर्थ, और ये मैं इस पे कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा. मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है, वो आप जाके अपने नोट्स में आराम से आप लोग कर सकते हो. इसलिए पढ़ लेना मीन फ्री पाथ का, आप फॉर्मूला पढ़ लेना, लाइट ले लेते हैं, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एग्जाम पर पूछ लेता है, क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, जैसी बात है. आगे चलो. हां तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, द काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम मोल फॉर डायटोमिक गैस एट रूम टेम्परेचर. उत्तरी डायटोमिक आ गया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बात करनी पड़ेगी. डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता कोटि, सुनो भाई, स्वतंत्रता कोटि का मतलब उन रास्तों की संख्या, उन पाथ की नंबर जिसपे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए या गति करने को स्वतंतर हो. हाँ. तो गति तीन प्रकार की होती है, ट्रांसलेटरी भी होती है, बिल्कुल रोटेटरी भी होती है, और एक वाइब्रेशन भी होता है, जानना चीज का. तो गैस मोनोटोमिक है तो अपन इसको ऐसे बोलते हैं, डियर टोटल एफ इक्वल टू एफ टी प्लस एफ आर प्लस एफ बी, ऐसे बोलते हैं इसको. ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी. यदि गैस मोनोटोमिक है तो इसकी तीन होंगी, तो तीनों कौन सी होंगी, ट्रांसलेटरी क्या होंगी, जीरो. यदि डायटोमिक है तो पांच होंगी, तो तीन तो ये होंगी, दो ये होंगी, और ये क्या होगी, जीरो. जीरो, कोई दिक्कत, बिल्कुल. और ट्राइटोमिक है गैस, यहां चक्कर हरे, ट्राइटोमिक है तो उसमें एक चक्कर है, CO2 भी ट्राइटोमिक है, ध्यान देना क्लास. हाँ, ये देखिए हो जाएगी, ये ध्यान देना चीज का. यस, ये भी ट्राइटोमिक है, यहां थोड़ा सा ध्यान देना भैया, सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और ये भी ट्राइटोमिक है. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी त्रिप्रमाणीय है, ये भी त्रिप्रमाणीय है, इसकी सात है, इसकी छह. मेरा फंडा है सीधे की सात होती है, इसकी छह होती है, स्ट्रेट की सेवन, इसकी सिक्स. तो वो जो सात है वो तो होती है 3+2+2, और जो छह है वो होती है 3+3+0. भाई सुन ले, इसके अलावा कुछ नहीं है यार. सल्टा सर, सल्टा. डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन है, तीन तो रहेंगी, रही कौन सी, ट्रांसलेटरी, फिर रोटेशनल भी हो सकते हैं. वाइब्रेटरी दोस्तों वैसे होती नहीं, क्योंकि करीब 2000 केल्विन के टेम्परेचर के ऊपर जाके कहीं होता वाइब्रेशन, ये हमारा सिलेबस नहीं है, आईटी में आता है यार, मेडिकल याद रखो यार. 3, 5, 7, 6 ट्रे एटमिक सात होती है, सीधे में सात, बाकी अपने छह होगी. तीन रहेंगी रहेंगी, 2+2 कर दे, याद का तरीका है. ये तेरे सामने फॉर्मूला आ गया. अब एक बात सुनना, एक वोल्ट्समैन का
इनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का नियम है, वो कहता है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसकी इनर्जी दोस्तों जो होती है वो या तो हाफ केटी होती है या हाफ आरटी होती है। एक अणु है तो हाफ केटी है और एक मोल है तो हाफ आरटी है। अब दोस्तों कोई गैस आपके सामने है तो इसका ई का जो फॉर्मूला है वो ऐसा होता है हाफ आरटी मल्टीप्लाई एफ। सीधी सी बात है, एफ कौन है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तेरा कौन सी गैस है? डायटोमिक। एफ क्या हुआ? पांच, पांच। उत्तर क्या हो गया? पांच फाइव। बोलो। हाँ यार, सीधी सी बात, इसको बोलते हैं डिग्री। ये क्या है? किसी भी गैस, हमें नहीं पता कौन सी गैस है। ये तो क्या है? हाफ आरटी किसके लिए है? कॉमन फॉर्मूला है, एफ से मल्टीप्लाई कर। हमने जो पढ़ाया 3/2 आरटी, तब हम क्या आइडियल गैस की बात करें? एक बात, आइडियल गैस का सही मतलब क्या होता है? मोनोटोन होता है। जब तक कुछ नहीं कहे तब तक आइडियल गैस क्या होती है? मोनोटोन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जो जीरो ग्रुप के मेंबर है वो सारे क्या है? मोनोटोमिक है। उनको आइडियल गैस कहते हैं। करीब पड़ा। बोलो हाँ या ना। तो ये तेरे सामने हो गया। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। चलो आगे। यस। चल फिर आ जा। वो कहता है किसी कंटेनर में 1 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल नाइट्रोजन है, 300 केल्विन पे मिक्स कर दिया नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नाइट्रोजन के एकांक अणुओं की भाई एक टेम्परेचर पे दो ऊर्जाएं नहीं हो सकती। एक फ्लास्क में आप दो गैस भर दो, उनमें ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो जैसे दोस्तों सेम हो गया टेम्परेचर, फटाक से इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक अनुपात एक हो जाएगा। आगे चलो। ये भाई लाडला प्रश्न है मेरा। फॉर एन आइडियल गैस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, एक आदर्श द्वि परमाणु के, अब सीपी क्या है, सीवी क्या है, आर क्या है? शुरू करें बात। पेज खाली कर भाई, अब आएगा मजा बात का। देखो दोस्तों, हमने आपको पढ़ाया था एक शब्द होता है एस, दिस इज स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा, कि ये द्रव्य के लिए परिभाषा। किसी 1 ग्राम गैस का, सॉरी वो द्रव्य का था, कि 1 ग्राम पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जिस हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। पर गैस भी क्या है कि आप 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा रहे हो, लेकिन पी कॉन्स्टेंट है या वी कॉन्स्टेंट है, चक्र पड़ता है। तो यहां दोस्तों दो परिभाषा है, एक परिभाषा है सीपी, एक है सीवी। सीपी का मतलब है प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए आप 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, सुनो, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जिस हीट की आवश्यकता होती है वो कहलाती है नियत दाब की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इसको सुन लो, 1 ग्राम गैस 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है पर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। और इसमें एक बड़ी सुंदर चीज है दोस्तों, सीपी हमेशा सीवी से बड़ा होता है और सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। ये सीपी सीवी से बड़ा क्यों होता है ये भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। हाँ। इसकी बात हम आपसे करेंगे टीडी में, कल की वीडियो में। टीडी मतलब थर्मो डायनेमिक्स में। तो ये दोस्तों आपका सीपी सीवी हो गया। अब देखो बड़ी सुंदर चीज बनती है यहां पर, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या है? आर है। ठीक है डियर, एक बड़ा अच्छा प्रश्न दोस्तों आपके सामने सामने सीपी का, सीवी का, आर का, एफ का दुनिया रिलेशन है जिनको हम निकालना चाहेंगे। क्वेश्चन के साथ ही बात करेंगे। अगला साहब कहता है सीपी सीवी इसमें संबंध बताओ, तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू 2R, एक आइडियल गैस द्वि परमाणु गैस के अणु के लिए, तो सीपी का मान 5/2। तो एक बात सुन लो भाई, सीवी इक्वल टू होता है F/2R। बिल्कुल। या अब याद रखना पड़ेगा, सीवी का मान होता है F/2R और सीपी तेरे सामने सामने क्या होता है? सीवी प्लस आर होता है। जोड़ दे आप अगले को, तो एफ आर बाई 2+R। तो एक काम कर, आर कम ले, क्या आया? F/2+1। तो तेरे सामने सामने F+2/2 × R, ये तेरा कौन हो गया? सीपी। कुछ जमा बन गया इसमें, सीपी इक्वल टू सीपी प्लस आर, सीवी इक्वल टू F/2R। मेरे हिसाब से ये हो गया फॉर्मूले, हो सिंपल से। अब अपने पास तीन पांच डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डायटोमिक गैस है तो 3, 5, 5, 5 है, तो 5 × 2 = 7/2R, सीपी बराबर 7/2R, आंसर आ गया। ये आपको याद करना पड़ेगा। बिल्कुल सीखिए आप इसके ऐसे, फिर कुछ तो याद भी करना पड़ेगा डियर। तो आपके सामने क्या हो गया? 7/2R। आगे चलो, फिर आ गया अपना प्रश्न, सीपी सीवी नाइट्रोजन की प्रति इकाई मास का नियत दाब और नियत आयतन की स्पेसिफिक हीट है। तो बताओ, देखो भाई सीधी सी बात है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या है? आर।
ये पर मोल के लिए है। अगला मुझसे क्या पूछता है, एकांक मास के लिए पूछ रहा है, एकांक मास के पूछ रहा है तो भैया कौन है, नाइट्रोजन है क्या, तो 28 से डिवाइड कर दे यार, कौन पूछ रहा है, तो तेरे सामने सामने 17 का आंसर क्या हो गया, एग्जाम पूछा क्वेश्चन है शानदार। इस पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये एक्चुअल में कल हम आपको पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स तो ज्यादा अच्छा काम आएगा, जब सुनो वाई फॉर्मूला बनता डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी, तो फिर बात कर लो हाँ, और तू जानता है कि पीवी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी, बाएं तरफ कोई परिवर्तन करो तो दाएं तरफ आपको एक परिवर्तन करना ही होगा, फुटबॉल यार, पीवी इक्वल टू एनआरटी, मैं वी में कोई चेंज इधर में कोई चेंज उधर चेंज हो गया होगा तो चेंज किस में हुआ, टी में, तो पीडीवी क्या हो गया एनआरडीटी, तो तेरे सामने सामने डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया एनआरडीटी, तो तेरा आर क्या आ गया डब्ल्यू बट्टे एन डी टी, डब्ल्यू क्या है जूल पर मोल पर के पर के कितना होता है 8.3 यस उत्तर यस, दिस इज 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, ये पर मोल के लिए है, और एक ग्राम का पूछे 28 का भाग दे दिया, बोल तो 28 का भाग, 28 मतलब नाइट्रोजन, हां नाइट्रोजन के लिए 28 का भाग दे दिया, 28 का मतलब अणुभार का अणुभार, चलो आगे हो गया पूरा आगे चलिए, को ये फिर आ गया अगला क्वेश्चन, वो कहता कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर का मतलब किसके लिए, मोल के लिए, सीपी और सीवी से बता दिया, गामा ये बहुत प्रैक्टिस है भाई, गामा ये हाँ। ये शानदार है गामा, देखो पेज खाली करना है, देखो क्या क्या होता है इसमें, गामा इक्वल टू सीपी वाई सीवी, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, ठीक है, और सीवी इक्वल टू एफ बाई टू आर, बस याद करो आप, तीन काम करेगा, एक है एक और है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, गामा इक्वल टू वन प्लस टू बाई एफ, ये सब आ गया और भाई ना कुछ है इसके अलावा, अब क्वेश्चन वाले क्या कह रहा है, सीपी बाई सी वी ये है तो सी वी किसके बराबर है, भाई साहब एक ही रास्ता चेक करने पड़ेंगे इनको, चेक करने पड़ेंगे, और वैसे मुझे याद है आर बटे का माइनस होता है, देख कर लूं मैं तेरे आगे, ये देख सी वी इक्वल टू अगला कहता आर बटे गामा माइनस वन है, ये अपन नहीं कह रहे हैं, अगला कह रहा है, ठीक है जी, तो आप ऐसा करो इसको कैसे चेंज करेंगे, तू तेरे सामने सामने है सी वी आर बटे गामा माइनस वन, गामा क्या है सीपी बाई सीवी, गामा क्या है सीपी बाई सीवी माइनस वन, चल आर देख सीवी लग तुम ले क्या बचा रहे सीपी माइनस सीवी, ओके डियर आगे चल, तो आर अपॉन वन मल्टीप्लाई सीवी सीपी माइनस सीवी, आर सा कैंसिल आउट, लेफ्ट पार्ट इक्वल टू राइट पार्ट, तो याद रखना, अब ऐसे कितने याद रखेंगे, ऐसा एग्जाम में कर देंगे और प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे आप, ओके डियर आगे चल, 19 में आ जा भैया, ये फिर आ गया, कौन सा सूत्र सही है, CV equal to R gamma minus 1 सही है, CP by CV gamma सही है, तो CP minus CV to R गलत है, ये करने की बात ही नहीं, ये कभी हो सकता ही नहीं, हमेशा R होता है, तो ये बाकी बातों याद हो गए, देखो आ जाओ जी, तो दोस्तों ये हमारा 20वां क्वेश्चन आ गया, देखो टोटल क्वेश्चन है इसमें 40, 20 पे आ चुके हम लोग, 20 और बचे हैं, आगे चलो, NH3 की कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट और स्थिर आयतन विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात क्या है, देख भाई जी मुझे नहीं पता क्या है, वो होता है सीपी बाई सीवी, सीपी बाई सीवी होता गामा और गामा होता वन प्लस टू बाई एफ, एक ही बात जानता हूं, ये NH3 ये मल्टी है, इसको क्या मान सकते हैं, F को 7 या 6 मान सकते हैं, इसी बात है यार 7 या 6 मान सकते हैं, वाली गैस है तो दो को ये NH3 है, टेडी वाली गैस है तो आप इसको क्या मान लो, ये 6 हो जाएगा, 6 मान लो, तो तेरा 1 प्लस ये 0.33 है, तो 1.33 कुछ आंसर बस कुछ देगा, तो 20 का दोस्तों आंसर क्या दे इसने, फर्स्ट दे दिया, तो ये वैसे तो देखा जाए कोई क्वेश्चन आएगा ना तो 4 का नहीं आएगा, 3 का आएगा, हां ये ठीक है, भूल से मानता हूं भाई, क्वेश्चन भूल से आ गया, ये याद रखो सीपी अपॉन सीवी गामा होता है, गामा 1 + 2 / एफ, बिल्कुल ठीक है, क्लियर आगे चले, हां बच्चों भाई क्वेश्चन नंबर 21 हम यहाँ नहीं कराएंगे आपको, ये थर्मो कराएंगे, टीडी में कराएंगे, भूल से पता क्वेश्चन कैसे रह गया, तो इसमें नहीं कराएंगे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 21 नहीं कराएंगे, बट इसको अगली क्लास में करा देंगे, क्योंकि इसमें आपको डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी यू पास करने पड़ेगा, फिर तो क्लास का पूरा मूड चेंज हो जाएगा, आ जाओ जी, इफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस आर एफ देन द रेशियो टू सीपी बाई सीवी इक्वल टू सीपी बाई सीपी गामा, गामा क्या होता है 1 + 2 / एफ, 1 + 1 + हो गया, ये प्रैक्टिस आपकी, आगे चलो।
डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल है ट्रांसलेशन रोटेशनल एंड अच्छा वाइब्रेशन दे दी इसने बिल्कुल हाँ कोई बात नहीं वाइब्रेशन दे दी तो सीपी बाई सीपी तो गामा होता भाई तो गामा इक्वल टू होता 1+2/f लेकिन दोस्तों अब तक हमने पढ़ा कि f की वैल्यू 2 है तो फिर 5 है बढ़िया साथ रहेगी यस ये गलती मत कर देना क्योंकि यदि वाइब्रेशनल नहीं होता तो इसका आंसर होता 1.4 बिल्कुल लेकिन दोस्तों जैसे वाइब्रेशन 7 आ गया तो 1+1+2/7 है 7 ये 3 से कम है 1.2 नहीं ये अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा है जिसका लेकिन ये उभार आया बाकी देखो अखी के देखा जाए तो डायटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही होता है पर अगला कहते हैं वाइब्रेट हो रहा है तो फिर 7 ही मानेंगे 6 नहीं मानेंगे बिल्कुल क्योंकि 3+2+2 तो ट्राइटोमिक का कांसेप्ट है ना वो इसमें काम आ जाएगा ठीक है जी ओके थैंक यू आगे चले तो ये आ गया यदि स्पेसिफिक हीट गामा है आर है तो सीवी सीवी आर गामा माइनस में सीधा सा आर बटे बिल्कुल गामा माइनस में आगे चले ये देखो ये ये प्यारा क्वेश्चन ये लाडला पड़ा इसका आंसर 250 केल्विन है सही सेट क्वेश्चन है बिल्कुल सही क्या कहता है कि प्रेशर ऑफ ए गैस कंटेनर इज क्लोज्ड वेसल इज इंक्रीज्ड बाय 0.4% व्हेन हीटेड बाय 1 डिग्री सेल्सियस द इनिशियल टेंपरेचर मस्ट बी वो कहता है एक बंद पात्र है देख ऐसा नहीं मैं बताता हूं कि मेरा प्रिय क्वेश्चन है PV इक्वल टू NR पात्र क्या है बंद तो तेरा V क्या हो गया कांस्टेंट N क्या है कांस्टेंट R क्या है कांस्टेंट ए भाई साहब डेल्टा पी अपॉन चेंज बटे चेंज अपॉन मास्टर फंडा है देखो वी अगले ने कांस्टेंट कर दिया क्यों पात्र बंद है तो चेंज होता है एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट चेंज बटे डेटा इक्वल टू चेंज बटे डेटा अब इसमें सुंदरता जो है ना वो सुंदरता ये नहीं है वो कहता इसके बंद पात्र गैस का ताप 1 डिग्री है डेल्टा टी डेल्टा पी में कितना परसेंट है 0.4/100 पेट ठंडा होता है 0.4% किसके सापेक्ष पी के सापेक्ष डेल्टा टी कितना है 1 तो आपको टी निकालना है तो दोस्तों टी इक्वल टू ये आपका आया यहां जो गलती आई उस पर आऊंगा मैं सो ये दोस्तों आपका है 250 अब लड़का कहता है साहब आपने ये 1 डिग्री कैसे लिख दिया इसको चेंज क्यों नहीं किया केल्विन में तो आप डिफरेंस ऑफ टेंपरेचर है जिसमें चाहे केल्विन कहो चाहे डिग्री कहो ये जो 250 आंसर आया है ये केल्विन में आया है डिग्री सेल्सियस में नहीं है ये बड़ा पक्का पूछ इसके कंडीशन में यहां आपने 1 डिग्री का इंक्रीमेंट किया ऑलरेडी आपने चेंज किया केल्विन भाई लेकिन चेंज में फर्क नहीं पड़ता आप 2 डिग्री 4 डिग्री गए तो 2+273 4+273 दो डिफरेंस कर दो आंसर दो आएगा यानी टेम्परेचर का डिफरेंस जहां करते हैं वहां केल्विन और सेल्सियस का फर्क नहीं पड़ता है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आंसर 250 केल्विन है सेल्सियस नहीं है सुंदरता इसकी यही है आगे चलो भैया ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है डियर दो ताप क्या कहता है 2 थर्मली वेसल्स इंसुलेटेड है 1 और 2 air at T1, T2, V1, V2, P1, P2, if the wall joining two vessels is open, the temperature inside the vessel at equilibrium will be. साफ कहता है, एक P1, V1, T1 है, दूसरा P2, V2, T2 है, दोनों का वाल ऊपर खोल दें, तो साम्य अवस्था में पात्र का ताप क्या होगा? लव क्वेश्चन तो आप करें इस क्वेश्चन को, बहुत सारा क्वेश्चन है। फिर खड़े कर दे बेटा। तो इस क्वेश्चन में जैसे मेनली क्या कि एनर्जी बहुत कंजर्व रहेगी सीधी सी बात तो एनर्जी कंजर्व रहे तो क्वेश्चन होना बस N1 into CV or ये मान लो आपका टेम्परेचर कितना है T1 क्लियर प्लस ये हो गया आपका N2 CV into T2 और इस इक्वल टू अब टोटल अपन ने उसको मैच कर दिया N1 प्लस N2 ये हो गया आपका N1 प्लस N2 इनटू ये आपका CV इनटू आप कर दो टेंपरेचर का कांस्टेंट T ठीक सेम टेंपरेचर हो गया अब गैस यहां सेम नेचर की थी तो आप CV को यहां से हटा दीजिए ये कैंसिल हो गया अब गैस के नंबर ऑफ मोल्स आप जानते हैं गैस जो आपके आदर्श गैस में होते हैं उसका अपन लिखें इक्वेशन तो PV इक्वल टू आपका है म्यू RT या NRT जो अपन लिखते हैं N काम लो यस तो अपन N काम ले बिल्कुल इक्वल टू NRT तो इससे पर N निकाल सकते हैं यहां से निकालो N हमारे पास हो गया देखो PV अपॉन RT RT बस अब इसको बस हमें रिप्लेस करना है करो N1 N2 करो हमारे पास ये P1 P निकालना है ना तो N1 मेरे पास हो गया P1 ये फर्स्ट केस के लिए P1 V1 अपॉन RT1
ऊपर भी T1 है, T1 प्लस ये हो गया हमारे पास P2 V2 अपॉन R T2 इनटू T2 इज इक्वल टू, फिर हमारे पास ये N1 N2 है, इसको भी अपन यहां पे लिखें तो देखो हमारे पास ये वैल्यू होगी P1 V1 अपॉन R T1 प्लस ये हो गया आपका P2 V2 अपॉन R T2 मल्टीप्लाई T। अब इसमें से हम लोग बिल्कुल ये हमारे हो चुका और R ये सबका अब लिख कैंसिल, चल आगे चल। अब हमें सिर्फ इसमें T का वैल्यू फाइंड करना है, आप P1 देखो ये हमारे पास हो गया P1 V1 प्लस P2 V2 इक्वल हमारे पास इज इक्वल टू अब यहीं से इसका आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट। तो टी हमें फाइंड करना है, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ये आपका ऑप्शन है। अब एक मिनट आप ऑप्शन दिखाओ, देखो यस ऑप्शन दिखा भी देखो रहा P1 V1 plus P2 V2 गुना T1 T2 upon P1 V1 A मिटा दूं तो ये रहा तेरे सामने याद P1 ये नहीं P1 V1 T2 plus T2 ये तो इसमें लॉजिक क्या काम है कुछ रुपए बता ना। लॉजिक इसमें रहा कि अपन जब गैसिंग को मिक्स कर रहे हैं तो सेमने से गैस थी, पात्र को अपन ने खोला और फाइनल किसी टेम्परेचर दोनों अपन जानते हैं कि जैसे यहाँ पर फाइनली क्या दोनों का सेम टेम्परेचर आपका हो जाएगा, उस समय एनर्जी सेम रहेगी सर, एनर्जी का इसमें किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा, ये हमारा सबसे बड़ा इसका कॉन्सेप्ट है। यस बिल्कुल सही बात है। तो आपने फॉर्मूला क्या काम ले लिया, एनसीवी डीडीटी। यस ओके थैंक यू, आगे चलेंगे। ये देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वो कहता है व्हेन वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज्ड टू टाइम्स एंड टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड हाफ ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर देन प्रेशर बिकम्स, देखो भाई PV इक्वल टू nRT, तो P equal to क्या है nRT upon V, मतलब कलर चेंज करते लिए तो कलर चेंज करते हैं, देख जैसे कैसा वैसे चेक कर, इसके तो लगा P डैशर और आइकन बढ़ा क्या कर दिया डबल, तो यहां दो से मल्टीप्लाई कर दे और ताप बढ़ा क्या कर दिया आधा, इसको आधा कर दे तो नीचे क्या आ गया 4, तो P डैश इक्वल टू क्या आ गया P by 4, ये आंसर क्या आ गया 1/4 है। सिंपल तरीका होता है, इक्वेशन बना लो और जैसे कहता है वैसे कर दो मिलेगी। आगे चलो भैया ये वही क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्थिर द्रव्यमान के घनत्व दाब का अनुपात x है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप के अनुपात क्या होगा जी, आए भाई निकाले चलो किशोर सर आप निकाले इसको। तो यहाँ पर भी अपने वो अपने दो इक्वेशन बिल्कुल बनाए तो अपने क्वेश्चन था कि एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज डिवाइडेड बाय प्रेशर इज x, तो पहले हम लोगों को जैसे अपन आदर्श गैस में पढ़ते हैं तो PV इज इक्वल टू हमारे पास था नंबर ऑफ मोल्स इनटू RT, यस इसको हमें बस अब यहां पे प्रेशर तो है डेंसिटी में इसमें इन्वॉल्व कर लो, तो जैसे मैं इसको यहीं लिखूं तो मेरे पास ये हो गया इसका ग्राम मात्रा अपॉन इसका अनुभार इनटू ये हो गया आपका RT जुड़ जाएगा। हां इसको स्मॉल एम कर दे, बिल्कुल इसको हम ये स्मॉल एम कर दे और ये बन गया। अब ये तो गैस की मात्रा है और ये हमारे पास है वॉल्यूम, ठीक है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम है डेंसिटी दे देगा, दे दो तो मैं इसको लिखूं P इज इक्वल टू ये हमारा हो गया मास, जैसे इसको मैं लिखूं स्मॉल m अपॉन वॉल्यूम इनटू ये हो गया हमारे पास RT अपॉन ये कैपिटल m अनुभार हो गया, ये बन गया हमारी डेंसिटी, तो रो ये बन गया आपके पास RT अपॉन कैपिटल। यस अब कुछ अंश से क्या देखो ये कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय प्रेशर डेंसिटी अपॉन प्रेशर यानी उल्टा कुछ हमसे मैं कर दूं तो आंसर है बिल्कुल ये रो अपॉन पी पी, तो रो अपॉन पी का मतलब कैपिटल एम अपॉन आरटी, ये क्या है अक्ष, अक्ष है बस। अब तू क्या करना चाहता है बस अब अपनी वो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड आगे की बात वाइज समीकरण एक बनाओ और समीकरण दो ही कर दो इसको, ये एम के पीछे 1 2 नहीं आएगा, तो या यूं कह दो इसको यार इसको आप ऐसे कह दो एम इक्वल टू RT अक्ष, ठीक है यस yes. M के पीछे 1 2 नहीं आएगा तो M बटा M, R के पीछे 1 2 नहीं आएगा R बटा R, T के पीछे आएगा yes. T1 T2 X1 X2 ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट। अब अगला साफ कह रहा है X2 पूछा है ना तो तेरे सामने X2 निकालना है तो X2 निकाल T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई अक्ष T2 बात वाला
जीरो डिग्री के ताप पे और 100 डिग्री ताप की अनुपात होगा तो अनुपात क्या होगा रेशियो पूछा गया है तो दोस्तों इसको आपके सामने सामने 273/373 मल्टीप्लाई x हो गया। इसमें मूल चीज कौन है ये है निकालना बिल्कुल अपने को यहाँ मूल चीज है इसमें ठीक है डियर क्या आगे चलो यस क्वेश्चन नंबर आ जाओ भैया 29 पे आ जाओ। वो कहता है किसी कंटेनर में पी नोट ताप पे गैस भरी हुई है सभी अणु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए उसकी गति दुगुनी कर देते हैं तो परिणामी ताप पी क्या हो जाएगा तो लिखो क्या वही अपनी गैस इक्वेशन वो तेरी ताप तो आया बात का मजा। अगला साहब कहता है सभी अणु का मास कलर चेंज करो देख कर सभी अणु का मास आधा आधा कर दिया तो नीचे 1/2 आ गया उसकी गति दुगुनी कर दी तो दुगुनी 4 हो गई। 4 में 2 का भाग दे और आज 2 बचा तो 2p नोट आंसर आ गया दोस्तों सीधी सी बात है तो 29 का आंसर क्या आ गया भाई अपना सेकंड 2p नोट आपका आंसर हो गया। आगे चल रही है क्वेश्चन नंबर 30 में आ जा ये और ही शानदार क्वेश्चन है भैया तरीका बस ओके t1 t2 तीन आइडल गैस है इनको मिला दिया प्रत्येक का मास m1 m2 m3 है अणु n1 n2 n3 है ऊर्जा 6 एक बात सुनना भाई मेडिकल में एनर्जी लॉस नहीं होता है आईटी वाला अलग तो इस मिश्रण का अंतिम टेम्परेचर बताएं तो भी आज किशोर सर करें आप इस क्वेश्चन पूरे को भैया तो क्वेश्चन के बारे में पुनः पढ़ लेते हैं देखो ये कह रहा है कि 3 परफेक्ट गैसेस तो परफेक्ट जैसे बोस ने कहा कि उसमें आइडल मानेंगे और मोनो एटॉमिक गैसेस मानेंगे सही बात है 3 परफेक्ट गैसेस एट एब्सोल्यूट टेंपरेचर T1 T2 एंड T3 आर मिक्स्ड बिल्कुल सही है द मासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स आर M1 M2 एंड M3 एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर M1 M2 एंड M3 ये हमको दे रखे हैं assuming no loss of energy यानी हमें इसमें loss of energy जीरो मानना है the final temperature of the mixer is यानी आपने इतने से गैसों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद उसमें लॉस नहीं हुआ तो इसका मतलब है जितनी हमारे पास गैसें थी उनकी जो इनिशियल एनर्जी थी उनका सम बात का कांस्टेंट रहेगा तो अपन बेसिकली पेज खाली कर हां पेज खाली कर तो अपन इसको ऐसे कर दूं क्या हां तू पहले ऐसे कर दूं 3/2 हां जी n ओवर r t1 है प्लस 3/2 n2 r t2 प्लस 3/2 n3 r t3 मल्टीप्लाई 3/2 n1 प्लस n2 प्लस n3 मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t तो देख भाई ये r तेरा कैसे नाम हो गया 3/2 कैसे हो गया मेरे हिसाब से सिंपल सा हो गया n1 t1 प्लस n2 t2 n3 t3 इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 मल्टीप्लाई t पूछा क्या सुनो ना बेटा पूछा क्या है t पूछा है तो n1 t1 प्लस n2 t2 n3 t3 / n1 प्लस n आंसर क्या हो गया इसका सेकंड इरोज आंसर आ गया। कहने का मतलब ये है हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इस प्रकार का सारा खेल एनर्जी पे डिपेंड करता है सीधी सी बात। और एक बात सुन लो एक कंटेनर में कितनी गैस भर दो चाहिए टेम्परेचर का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा सॉरी एनर्जी का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते और लॉस अपने यहां हो नहीं रहा है इससे सिंपल फंडा है ओके डियर। आगे चलें 31 पे अरे यार ये है एक वजह इस क्वेश्चन में आया करने में क्या कहता है एक आइडियल गैस है डेंसिटी और पी के बीच एक कर्व खींच दिया अगले ने T1 T2 के बीच तेरे को संबंध निकालना है ठीक है भैया मैं इस क्वेश्चन को पेज खाली कर दे मैं पेज खाली करके एक बार इसकी सहायता से बना लो इसको ये ऐसा है ये ऐसा है ये मेरा T1 है ये मेरा T2 है ये मेरा रो है और ये मेरा P है। अगला साफ कहता है आइडियल गैस है T1 T2 का संबंध देखो बच्चों इस प्रकार की प्रॉब्लम जब भी आपको निकालनी हो बैड कॉन्सेप्ट है तो आप एक बात ध्यान सुनो PV इक्वल टू क्या होता है NRT ठीक है डियर PV इक्वल टू NRT क्या होगा N कैपिटल M RT तो P इक्वल टू कैप स्मॉल M V कैपिटल M RT ये क्या हो गया density तो P इक्वल टू क्या है रो RT अपॉन कैपिटल M। अब तू जानता तूने एक बार क्यों शुरू कर दिया तो ना तो तेरा R चेंज हो रहा है ना तेरा कैपिटल M चेंज हो रहा है आपका केवल क्या चेंज हो रहा है P इक्वल टू रो T
ध्यान देखा पी इक्वल टू रो टी। अब तू जानता है कि टी कॉन्स्टेंट करें तो पी है वो रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी है वो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहां एक तरीका है, मैं क्या करूंगा यहां से कट लगाऊंगा, देखिए ऐसे तरीका है सोल्व करने का। ए मैंने यहां से एक इस पे कट लगा दिया, ठीक है, डेंसिटी को रो क्या है कांस्टेंट, तो T1 का संबंध किसके साथ है P1 के साथ, T2 का संबंध किसके साथ है P2 के साथ, और ये कॉमन गणित है P1 बड़ा है P2 बड़ा, P2 बड़ा है तो जहां P2 बड़ा है वहां रो तो क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट आपको संबंध किस निकालना है, रो आपका देखो P रो आपके सामने कांस्टेंट है constant. तो पी जो है वो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पी जब टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कॉमन सेंस की बात है पी टू बड़ा है वहां टी टू बड़ा है, सीधा सा तो आपका आंसर आ गया भैया टी टू ग्रेटर देन टी वन। ये एक मेरा एक सिंपल क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है, बिल्कुल आप कट मार लो। अच्छा वापस क्वेश्चन पे आ जा, लड़का कहेगा साहब आप क्वेश्चन पे कर दे बेटा, लड़का कहेगा सर आपने कट इधर से मारा, लो भाई मैं इस क्वेश्चन को दोबारा कर देता हूँ, ए इधर आ जा, इधर कौन है पी है, इधर कौन है रो है, एक ग्राफ ये है एक ग्राफ ये है, ले मैं यार तेरे कर दूं, मैं इस बार कट इधर से मार देता हूं, बिल्कुल मार दिया आ जा, ये ऊपर कौन है T1 है ना, यस ये तेरा कौन है T1 है, ओ भाई ये मास्टर फॉर्मूला मेरा, तो देख ये तेरा इसका संबंध ये T2 है ना, तो ये कौन है रो टू, रो टू और T1 के साथ कौन होगा रो वन, तो कॉमन सेंस की बात है यार रो वन है वो रो टू से बड़ा है। अब तू खुद आ जा, P इक्वल टू क्या था रोटी, P इक्वल टू क्या था रोटी, P क्या है कांस्टेंट, तो रोटी के क्या है इनवर्स, कौन सेंस की बात है, तो रो ज्यादा वहां T कम है, रो ज्यादा किस में है रो टू में, मतलब रो वन में, तो रो वन ज्यादा है तो टी टू ज्यादा है, टी टू ग्रेटर देन टी वन, बिल्कुल ये मास्टर चाबी है भाई, सुन ले आप कट मार लो इधर से मार लो इधर से मार लो जैसे कहता वैसे करते जाओ, ये मेरा एक प्रिय क्वेश्चन है भाई, टी टू ग्रेटर देन टी वन, फिर सुन ले क्या पर रोटी के इनवर्स है, इसका मतलब जब रो ज्यादा वहां टी कम है, रो वन है इसका बड़ा कौन है टी टू, थैंक यू आगे चल रहे इसमें कर ले यार, एक सुन एक साथ कहता है टी वन टी टू है संबंध, यहां तो सबको पता है कि जो दूर होता है वो बड़ा होता है, ए यहां शुरू कर मैंने ये कट मारा, देख ये कट मारा तो यहां देख किशोर पी क्या है कॉन्स्टेंट, तो ये ए इसका संबंध किससे है ये फर्स्ट है ना, बस इसका संबंध है वी1 से, इसका संबंध किससे है टी2 से, आ जा देख पी वी इक्वल टू क्या है NRT, मैंने क्या कांस्टेंट किया P कांस्टेंट, तो मेरा V है वो T के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, yes. अब तेरे साफ दिखाई दे रहा है V2 बड़ा T1 बड़ा, V2 बड़ा V2 बड़ा तो T2 बड़ा, सिंपल सी बात है T2 ग्रेटर देन T1, थैंक यू यार ये अच्छे एक बिल्कुल करेक्शन लिया क्वेश्चंस का आपने, ओके डियर आगे चलो क्वेश्चन 33 पे आ जाओ, फिर वो खानी आ गई, यहां दोस्तों क्या निकाल दिया स्लोप निकाल दी, अपन स्लोप के चक्कर में पड़ेंगे नहीं, ए ले इस बार कट यहां से मार, ये कट मारा बिल्कुल ये कट मारा तो P क्या हो गया कांस्टेंट, V1 का संबंध किससे है T1 से, V2 का संबंध किससे होगा T2 से, कौन कांस्टेंट है P, इधर देखे P इक्वल टू क्या है NRT, P क्या है कांस्टेंट, V T के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो सीधी सी बात है जो T2 बड़ा तो V2 बड़ा, तो कॉमन सेंस की बात है V2 दोस्तों आपका V1 से बड़ा हो गया, तो कहने का सीधा सीधा मतलब है जैसा अगला कहता है वैसे आप कट मारना सीख दो यार, ये अच्छा क्वेश्चन था बिल्कुल तरीका बहुत अल्टीमेट, आगे चल बेटा ये फिर अपन ने क्वेश्चन गलत दे लिया भैया, ये फिर क्वेश्चन आपका टीडी का है थर्मो डायनेमिक्स का है, इसको यहां नहीं कर पाएंगे, ये कल की क्लास में आएगा भाई, कल मतलब आज 28 तारीख है ना, ये 30 दिसंबर के वीडियो में आएगा भाई, आगे चल बेटा ये एक्चुअली टीडी का मिक्स है थोड़े से, इसलिए आगे आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन एक बहुत ही ये भी दोस्तों गैस का आयतन बढ़ाकर 27 हो जाता है, इसका ताप क्या है, ये है जो क्वेश्चन तो रियल में, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला कहता है एक बात गांठ बांधो, इसको सुनो ध्यान से यार, मन से बैठो, यहां क्या करेगा ये जो एक नई रूल आपको और देगा, एक रूल तो कौन है मेरे गांव में कहते ना बिना पूछे पंडित जी को, एक रूल तो फाइनल है, अब एक रूल नया बना दिया इसने वी की पावर क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बंदे ने एक नया रूल बना दिया, वो कहता कोई गैस इस रूल की पालना कर रही है, अब इस रूल की पालना कर रही है ना, अब कहता है यदि गैस का आयतन 27 कर दिया जाए ताप क्या होगा, आयतन और ताप की बात करनी है तो यहां से दाब रहे को किसको गाइड करो प्रेशर, सुनो मुझे क्या है यदि मेरे को वी दिया है
और मेरे को टी पूछा है, तो मुझे कौन गायब करना है इसमें? प्रेशर गायब करना है। तो प्रेशर जहां लिखा हुआ है वहां मैं क्या कर दूंगा? एनआरटी बाई वी। देख जहां प्रेशर लिखा हुआ है वहां मैं क्या कर दूंगा? एनआरटी बाई वी का होल क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पे खड़े कर बेटा, अब तू खुद देख रहा है ये एन कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, तो ये देख क्या बना वी, ये तेरा बना टी क्यूब, नीचे क्या बना v क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये देखा जाए पुत्र, तेरा फॉर्मूला बन गया t क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v स्क्वायर, t क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v स्क्वायर, t क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u स्क्वायर। बोलता है गुणा मत, t क्यूब क्वेश्चन निकाल रहा है, क्वेश्चन निकाल, क्वेश्चन निकाल, t क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v स्क्वायर। बस अब जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे कह दे। अगला क्या कहता, आयतन को बढ़ाए कितना कह रहा है? 27 गुना। तो आयतन को बढ़ा के कितना किया अपन ने? 27 की पावर 2। ये तेरा टी की पावर 3। तो मैं सीधा कर दूं, टी की पावर 27 की घात 2/3, दिस इज टी डैश। 27 का 1/3 कितना हुआ? 3। इनका स्क्वायर क्या हुआ? 9। आंसर आ गया बिल्कुल। ये क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन। अगला देखो, मेरे हाथ में नहीं था, मैंने यहां से वी गायब क्यों किया? क्योंकि मेरा संबंध पी वी और टी में है, इसलिए मेरे को पी वहां से, वो कहां से गायब करूंगा मैं? जो रियल में आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इक्वल टू एन आर टी। ओके डियर, आगे चले। ये है देख भाई, ये तो बहुत सौम्य चीज है। क्या कहता, आइडियल गैस है, दाब और ताप के ग्राफ है, तो गलत कथन का चुनाव कीजिए। अब गलत कथन का चुनाव करने में भाई साहब देखो इसमें बड़ी दिक्कत है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता PV इक्वल टू NRT, पहला ऑब्जेक्ट, ठीक है बिल्कुल, PV इक्वल टू NRT। अगला डेंसिटी में कन्वर्ट करना चाहता है, तो आप इसको डेंसिटी में कन्वर्ट करें, स्मॉल m कैपिटल m RT। ओके डियर, अब तू जानता स्मॉल m अपॉन v, RT अपॉन कैपिटल m, दिस इज डेंसिटी। तो तेरा फॉर्मूला क्या बना पुत्र? बोलना, P इक्वल टू रो आरटी अपॉन कैपिटल। मेरे हाथ में नहीं है। अब अगला मुझे क्या करना चाहता है कि रो के बारे में बात करना चाहता है, तो रो को इधर लो, तो रो को इधर लो, तो पी एम बटे आरटी। अब देखते तब पहले प्रश्न में टी क्या है? कॉन्स्टेंट है। टी क्या है? कॉन्स्टेंट है। आर क्या है? कॉन्स्टेंट है। एम क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो जैसे जैसे पी बढ़ रहा है वैसे रो बढ़ रहा है, तो पहला कहता है गैस का घनत्व बढ़ रहा है, ये बात बिल्कुल हमारे हिसाब से सही होगी। और अपना आंसर ये नहीं है। हाँ, सब निकालेंगे इसको, बिल्कुल सही होगी ना। चल ये पेज खाली कर, दूसरे में आ जा, दूसरे में आ जा, फिर से आ जा, दूसरा तेरा वही पी इक्वल टू क्या निकला था? पूरा पी इक्वल टू जो तेरा रो है वो टी के इनवर्स है। अब जैसे जैसे टी बढ़ रहा है वैसे वैसे रो घट रहा है, बिल्कुल गैस का घनत्व घट जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से घनत्व घट जाता है, ये बात भी सही होगी बिल्कुल। अब तीसरे पे आ, तो तीसरे पे आ, तो ए इसको फिर से खाली कर ले, तो तेरे को याद है तेरा बोल क्या है? रो आरटी अपॉन एम एम, बिल्कुल ठीक है डियर। अब ये जो तेरा प्रश्न है, इस प्रश्न में अब यहां थोड़ा मामला इसमें कॉम्प्लिकेट रहेगा, तो पी और टी के बीच ग्राफ तो सीधी लाइन है, तो कांस्टेंट कौन होता है? पी अपॉन टी रेशियो कांस्टेंट, पी अपॉन टी का रेशियो कांस्टेंट है, दोनों भी कांस्टेंट है। यस, पी क्योंकि जब दोस्तों आप जानते हो कोई सीधी लाइन होती है उसकी स्लोप चेंज नहीं होती है, तो पी अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट। तो देख डियर, पी अपॉन टी इक्वल टू रो आर एम, ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, तो गैस का घनत्व नियत है, तो सारी बातें सही हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ये क्वेश्चन दोस्तों लिए इसीलिए गया था कि आपको सारी रामायण समझा दी जाए। ये भैया वापस रिवर्स करके देख ले, शानदार प्रश्न है, इससे अच्छा कैटेगरी में कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। उत्तर याद करना बहुत अलग है, लॉजिक निकालना बहुत अलग है। आगे चलो। हाँ तो पुत्र किशोर, क्वेश्चन नंबर 37 पे जाने से पहले यार मुझे बात करनी पड़ेगी तेरे से। अगला कहता कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो मुझे चार्ल्स के नियम की बात करनी पड़ेगी, बिल्कुल गैलुसेक के नियम की बात करनी पड़ेगी। भाई पेज खाली कर। देखो दोस्तों हम एक बात जानते हैं, पीवी इक्वल टू होता है एनआर, ठीक है,
चार्ल्स का नियम होता है Vt इक्वल टू V नोट अल्फा dt, और गैलुसिय का नियम होता है Pt इक्वल टू P नोट 1 प्लस बीटा dt। यहां अल्फा का नाम है आयतन प्रसार गुणांक और बीटा का नाम है प्रेशर दाब प्रसार गुणांक। ये धारणा चीज का ये वही कहानी है, 0 डिग्री पे कितना वॉल्यूम है, फिर बढ़ाया टेम्परेचर कितना हो गया। तो दोस्तों इसको अपने मॉडिफाई करें तो ये तेरे सामने सामने तो क्या बनेगा, Vt इक्वल टू V नोट अल्फा dt, Vt माइनस V नोट इक्वल टू V नोट अल्फा dt। तो व्हाट इज अल्फा, दिस इज dv अपॉन V नोट अपॉन dt, दिस इज अल्फा। क्वेश्चन आ जाए तो ये जो पूछ रहा है मेरे से, गैस का आयतन प्रसार गुणांक है, कोफिशिएंट वॉल्यूम एक्सपेंसर वो क्या है, dv अपॉन v इनिशियल अपॉन dt। पेज खाली कर बेटा, तो एक्चुअल में वापस आके सुनो, तो dl यहां जो अल्फा मुझे निकालना है वो रियल में ये है dv / v अपॉन dt, बट मेरे इसमें तो v है ही नहीं, तो मेरे को t चाहिए और v चाहिए, p गायब कर दे। और p गायब करने का एक तरीका है भैया, तू कुछ भी कर ले, इस समीकरण की पालना तेरे को करनी पड़ेगी। इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो KTG का टॉपिक ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो p को रिप्लेस करो, तो p को रिप्लेस करेंगे तो nRT अपॉन क्या आएगा, v, nRT अपॉन v, ये क्या है आएगा। फिर भैया टी स्क्वायर भी आएगा ना, वो कहां गया, इसको बोल सकते हैं ओनली फ्रैक्शनल चेंज के रूप में बदलेंगे। अच्छा वैसे देखेंगे तो ये तेरा के, ये तेरा कोण आ गया dv / v। अब तेरे सामने सामने है dv / सॉरी गलत कर दिया, dv / v, ठीक है डियर। अब देख dv / v में dt से डिवाइड कर तो तेरे सामने आंसर आ गया 3/t, आंसर आ गया 3/t। कॉन्स्टेंट रखना है constant. तो आपको इनकी जरूरत नहीं है, तो आप चेंज करो। तो ये एरर की तरह है, एरर की तरह है, यस ये एरर की तरह है। थ्री नीचे ले लो, dv / dt / t, dv / v, इसकी वजह निकाल दो। लेकिन मूल बात वो थी जो पीछे बताई है, चार्ल्स के नियम को फॉलो करना पड़ेगा, यहां पर वहां से आपको चेंज निकालना होगा। ओके डियर, आगे चलो, ये आपको याद रखना, याद करना पड़ेगा भाई, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, टीसी वीसी पीसी क्या, कोई रास्ता नहीं है भैया, ये आपको याद करने हैं। 8a / 27rb, ये ना आपका कोई इसमें गलती है ना मेरी कोई गलती, याद है तो है, नहीं है तो नहीं है, सीधी सी बात है भैया। आगे चल, फिर वही बात आ गई भैया, ये ना 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 ये है सोना प्रश्न, वो कहता है CO2 गैस है, वास्तविक अपने आप ही है क्योंकि और भी आगे रियल गैस है, तो इस पात्र में गैस का द्रव्यमान कितना है। आपको इस पात्र में दोस्तों इस गैस का द्रव्यमान निकालना है, वाष्प निकालना है। तो भाई साहब एक बताओ, इसको बोलते हैं इक्वेशन का कंपेयर करो इक्वेशन से, नई बात कर, ये SHM में काम आता है, वेव में काम आता है, AC में काम आता है, इक्वेशन को कंपेयर इक्वेशन से करो। बताओ कैसे करेंगे, देखो डियर एक काम करते हैं, अपने से लिखते मूल इक्वेशन P + m² a / v² v - np = nRT, ये इसका मूल इक्वेशन है। बिल्कुल बोलो किशोर भाई, बिल्कुल बिल्कुल, पेज खाली कर दे रहे भैया, ये वांडरवाल इक्वेशन है। किशोर वापस दिखाए बेटा, पी इक्वल टू करना, खाली कर दे वापस, तो पी इक्वल टू करना है तो एक काम करूं मैं, ये P + n² a / v² = nRT / v - nV, इसको मिटा दूं। अब मेरे को पी चाहिए ना, तो पी इक्वल टू nRT v - nV - n² a / v² अब आप क्वेश्चन में आ जाओ भैया, तो क्वेश्चन क्या कहता है मैं देख के लिख लूं थोड़ा सा इसमें, क्योंकि वहां ये मामला थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेट सा हो रहा देखने में। तो ये जो क्वेश्चन बना इसका एक्जेक्ट कलर चेंज करने के लिए, तो पी इक्वल टू, अब जो पी बना है वो पी क्या बन रहा है, RT / 2v - b - a / 4b² लो भैया, ये आपके सामने सामने एक फुलानुला हो, बिल्कुल
देखो डियर, ये टाइम लग रहा भाई, ये वांडरवाल का मूल इक्वेशन था, इसको हमने पी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया और ये मेरा दिया हुआ है, मेरे को इसमें एन निकालना है, एन निकलते मेरे मोल आ जाएंगे, इसको बोलते हैं इक्वेशन का कंपेयर करना है इक्वेशन से। अब आ जा भाई, इसको कंपेयर इससे कर, इसको कंपेयर इससे करेगा तो एन आर टी अपॉन वी माइनस एन बी इक्वल टू आर टी बट्टा टू वी माइनस बी, आर आर टी से आर टी कैंसिल आउट कर दे तो ये टू वी एन माइनस बी इक्वल टू वी माइनस एन बी। बोलो बोलो, बिल्कुल टू वी माइनस टू बी, एक मिनट बच्चे, सॉरी एन बचा हुआ ना, ये एन, तो ये आगे था अपने, ये कर दिया ना, टू वी एन माइनस एन बी, एन बी इक्वल टू वी माइनस एन बी, एन बी एन बी कैसे लाओ, वी से बी कैसे लाओ, तो एन की वैल्यू आ गई हाफ हाफ। फिशर राजा भैया, आधा मोल है सीओ टू 44 ग्राम का होता है, आधे का मतलब है 22 ग्राम आंसर आ गया भैया। बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं कंपेयर कर, कंपेयर करना। देखो डियर, किताबें बहुत इजी होती हैं। देखो मैं आज के टाइम की बात हूँ, आज की प्रॉब्लम ये कि बच्चा ना तो विश्वास टीचर पे करता है, ना बुक्स पे करता है, नेट पे देख लिया, इस पे देख लिया, उस पे क्या फर्क पड़ता है। यदि तेरे को वांडरवाल की इक्वेशन याद है ना, तो तेरे को 10 किताब पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है। वो याद नहीं है ना, तो बेटा जा 10 टीचर बदल ले, 10 कोचिंग बदल ले, 10 बुक्स बदल, क्या फर्क पड़ता है इससे। ओके डियर, लास्ट क्वेश्चन आज का 40 क्वेश्चन, ये तो पूर्ण रूप से भाई क्वेश्चन तेरा टीडी का है, थोड़ा रिस्क का है, उसके बाद तो वहीं करने पड़ेंगे। बिल्कुल। ओके डियर, इस टॉपिक में दो क्वेश्चन ऐसे हो गए जो हम अगले वीडियो में जिनको कंसीडर करेंगे। ये तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 40 आया, और एक क्वेश्चन पहले भी आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 21, 21 एंड 40। सुन लो भाई, 21 एंड 40 ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों हम गुणनीति के वीडियो और था वो कर दिया था पढ़ने से, मेरे ख्याल से ये 34, यस एक 34, ये तीन क्वेश्चन ऐसे दोस्तों जो गुरुनीति के वीडियो नंबर 22 में आएंगे, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन थे, पुराने पता चलता था ये होता है, अब सॉल्व करने बैठे ना तो पता लग गड़बड़ हो गई। ओके डियर, तो आज हम आपको 21वां वीडियो दे रहे हैं, आज तारीख है 28 दिसंबर, एक बार सुनो रहे, 31 दिसंबर को रात को 8 बजे से 12 बजे मैं सेल से लाइव पे हम कर रहे हैं भजन संध्या, और एग्जैक्टली 1 जनवरी को हम भजन संध्या हनुमान चालीसा के साथ दोस्तों 1 जनवरी 2021 में प्रवेश करेंगे। आप मेरे साथ रहना 31 दिसंबर 2020 की रात 8 से 12 सीएलसी सीकर के फेसबुक पेज पे और सीएलसी सीकर के यूट्यूब चैनल पे। ओके, थैंक यू, जय सेल्स।